तो इसको ज़रा हम कोशिश करते हैं आज कंप्लीट कर लें कि डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस। एक तो हमने शुरू में देख लिया था कि व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट, और वो सारा टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 वाला जो टॉपिक था, ठीक है। इस बुक से हम ये दो ही बातें पढ़ रहे हैं, एक तो इंट्रोडक्शन टू वॉइस फर्स्ट और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। बाकी इसमें अलेक्सा डिस्कस हुई भी है पूरी इस बुक में, अलेक्सा की एप्स कैसे बनती हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। तो अब इन जनरल जो डिज़ाइन की बातें थी ना, वो तो सारी चैप्टर नंबर 1 में हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना स्पेसिफिकली हो रहा है वॉइस की बात। अच्छा, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द वॉइस यूज़र इंटरफेस, सीइंग हाउ VUI इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। लर्निंग हाउ टू यूज़ ग्रीस मैक्सिम टू शेप अ VUI। अब ये मिस्टर ग्रीस जो है, ये फिलोसोफर हैं, इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बताए हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस होगा। अच्छा, तो बस ये कि इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद ये शुरू हो गया VUI फंडामेंटल, और उसके बाद यहाँ से ना कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, वो चार प्रिंसिपल, तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़नी है। तो कोशिश करते हैं हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कितने आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले बता चुका था मैं। कोई है आप में से जिसने ये पैराग्राफ पढ़ लिया हो, तो वो ज़रा बताए खड़ा होकर कि यार यहाँ क्या बात हुई भी है। नहीं पढ़ा ना? अच्छा, एक बंदे ने सिर्फ पढ़ा है। चलो, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको पढ़ते भी जाते हैं फिर साथ साथ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका क्या लेवल है, ताकि फिर उसी पे मैं आ जाऊँ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि द अर्ली यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टेंड टू मिमिक द ओल्डर मीडियम, कि जो भी नई चीज़ आती है पुरानी चीज़ को मिमिक करती है। अर्ली रेडियो प्रोग्राम वर लाइक प्लेड कुड लिसन एट होम। कह रहे हैं कि आप जो है ना, वो प्ले आप घर पर बैठ के देख लेते थे। प्ले मतलब स्टेज ड्रामे की बात हो रही है या मूवीज़ की बात हो रही है, या तो वो घर पे बैठे बैठे प्ले आपको दिख रहा होता था, मतलब सुन रहे होते थे आप रेडियो के ऊपर। अर्ली वेबसाइट ट्राई टू मेक द क्यूज़ फ्रॉम द डेस्कटॉप विच इज सेल्फ बेस्ड ऑन द फिजिकल डेस्कटॉप। तो आप इसको मैं और आसान करके बताऊं कि जो अर्ली वेबसाइट्स बनी थी, वो असल में क्या था, पम्फलेट था, उसको मिमिक करती थी कि भाई फिजिकल पम्फलेट होगा, उसकी जगह पे अब आपको वेबसाइट दिखेगी, ऑनलाइन वर्जन दिखेगा, ठीक है। अर्ली एफर्ट टू मेक वॉइस गाइडेंस फ्रॉम द वेब, बट लर्निंग वॉइस यूजर इंटरफेस VUI बेस्ट प्रैक्टिस डिफरेंट फ्रॉम ड्राइव द कन्वर्जेशन फॉरवर्ड। तो कह रहा है कि ये असल में वॉइस भी क्या है, कि यही चीज़ है जो वॉइस की टेक्नोलॉजी है, वो अपने पीछे से चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रही है। जैसे पहले इसने जिक्र किया था कि भाई जब आप बैंक में कॉल करते हो तो आप क्या करते हो, असल में वॉइस इंटरफेस होता है जिससे आप बात कर रहे होते हो, ये एक दूसरे बंदे से बात करते हो तो भी वॉइस इंटरफेस है। तो कह रहा है बट लर्निंग हाउ वॉइस यूजर इंटरफेस बेस्ट प्रैक्टिस आर डिफरेंट। बट इसमें बेस्ट क्या होना चाहिए, सामने से, यानी जब फ़ोन पे बात करता हूँ मैं, तो सामने से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं वो सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कॉल सेंटर में जो लोग बैठे हुए थे, तो उनकी ट्रेनिंग होती है बकायदा, तो जो ट्रेनिंग उनकी होती है ना, वो ट्रेनिंग हमें भी अपने चैटबॉट में उन चीज़ों को रखना है। तो कह रहा है कि वो जस्ट कन्वर्जेशन करना ना किसी से एक अलग बात है, लेकिन बेस्ट कन्वर्जेशन होना एक अलग बात है। अ VUI कम्बाइंस कॉम्बिने अ VUI इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बैक एंड फोर्थ एंड द वे ऑफ स्पीकिंग दैट कम्स टुगेदर। वॉइस एप्लीकेशन एम्पावर यूजर एफिशेंटली कम्प्लीट अ गोल। कह रहा है कि VUI में बेसिकली होता ये है कि बैक एंड फोर्थ बात हो रही होती है एक यूज़र की एक कंप्यूटर से, या दो दो एंटिटीज होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं, ठीक है। और जिसमें एक कंप्यूटर और एक यूज़र है ना, तो यूज़र अपना टास्क एकॉम्प्लिश करता है, कुछ कंप्लीट करता है एट द एंड ऑफ कन्वर्जेशन। थिंक ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ ह्यूमन स्पीकिंग विद अ कंप्यूटर। कह रहे हैं कि अब आप एक इमेजिन करें कि बंदा कंप्यूटर से बात कर रहा है, इमेजिनरी एक स्क्रिप्ट अभी नीचे ये बनाने लगा है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द एजम्पशन दैट बिट बिहाइंड एवरी ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्जेशन, एंड वी विल लुक हाउ कैन वी अप्लाई ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। वी वॉन्ट फॉरगेट द कंप्यूटर साइंस ऑफ आवर फैमिली ट्री। इधर वी विल लुक एट हाउ दिस 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 VUI इंटरफेस इज यू आर लाइकली फेमिलियर विथ। कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अभी पहले तो इसको ह्यूमन टू ह्यूमन समझेंगे हम, कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ना बेस्ट क्या प्रैक्टिस है। यानी ये कॉल सेंटर वाले को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, ये वो यहाँ पे डिस्कस करेगा थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, और फिर कह रहा है कि हम उसी को ना आधा पार्ट हटा के कंप्यूटर को लगा देंगे, हम कंप्यूटर को भूलने नहीं वाले। अभी हमारा, यानी हमारे ट्री का जो आधा पार्ट है वो कंप्यूटर है, यानी हमारे जो बबल्स बन रहे होंगे चैट के, बैक एंड फोर्थ चैट हो रही है, उसमें एक साइड पूरा कंप्यूटर होगा। अच्छा,
कह रहा है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन प्लस एवरी डे कन्वर्जेशन बिटवीन पीपल फाइनली वी विल लुक एट अ VUI ऑफ द स्लीप ट्रैकर स्किल. अब एक स्लीप ट्रैकर स्किल ये बनाएगा एट द एंड. वो क्या करेगी, स्लीप ट्रैकर के सामने से पूछेगी कि भाई कितने घंटे सो जाओ. आपने बोला 8 घंटे तो उसने एक सामने से जवाब देना है कि भाई बहुत अच्छा सोया. अगर आप बोलोगे कम तो बोलेगा कि बहुत बुरा सोए. अगर बोलोगे आप ज़्यादा तो वो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा सो गया. ठीक है, जस्ट आप एक नंबर बताओगे कि कितने आवर आप सोए हो और उसके अगेंस्ट वो एक सामने से जुमला बोलेगा, दैट्स इट. तो ये एक स्लीप ट्रैकर स्किल एट द एंड बना रहा है अलेक्सा के साथ. ठीक है, जो कि बहुत बेसिक है. इतना चैटबॉट तो आप लोग बना ही सकते हो अभी राइट नाउ डायलॉग फ्लो पे ना. तो ये जो बना रहा है यहाँ पे द प्रीवियस चैप्टर डिटरमाइन हाउ इट फिट्स दिस असम्पशन इन हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस. अच्छा, VUI फंडामेंटल्स. अब फंडामेंटल क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो वो हम उसको कह रहे थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल. ये है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इफ एल्स फॉर लूप वेरिएबल्स क्या कहते हैं एरे, ये वो चीज़ें हैं जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह मौजूद हैं. और फंडामेंटल का मतलब बुनियादी, वो बुनियादी चीज़ है. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी है ना उन सब में वो शामिल है, ये सारी चीज़ें जो शुरू की चीज़ें हैं. सिंटेक्स अलग अलग होगा लेकिन अप्रोच सेम है. तो फंडामेंटल ना बुनियादी वो चीज़ें होती हैं जो हर, मिसाल के तौर पे अगर VUI का फंडामेंटल है तो जितने भी वॉइस इंटरफेस होंगे ना ये उसका बुनियादी बात है ये जो ये करने लगा है. अच्छा, और ये कर रहा है डिज़ाइन के परस्पेक्टिव में, ये जहन में रखनी है बात जब भी बात समझ आएगी. तो VUI में फंडामेंटल जो डिज़ाइन की चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर डिस्कस कर रही है. द बेसिस ऑफ VUI इज अ कन्वर्जेशनल इंटरफेस एंड अ कन्वर्जेशन हैज़ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. कह रहा है कि इसमें क्या होगा जो डिज़ाइन है इसका बेसिक डिज़ाइन कि कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा, बात हो रही होगी और एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, यानी कि दो होंगे एटलीस्ट. इन वॉइस एप्लीकेशन देयर आर टू साइड्स टू फोकस ऑन, द डिवाइस साइड या कंप्यूटर साइड भी बोल सकते हैं उसको एंड द ह्यूमन साइड. कह रहा है दो साइड है फोकस करने के लिए. देयर आर नॉट येट एनी वॉइस डिवाइसेस दैट विल इंटरजेक्ट इनटू क्रॉस टॉक बिटवीन टू ह्यूमंस. कह रहे हैं कि अभी तक ना इस केस में क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम अभी तक कोई ऐसा नहीं बना है जो दो लोगों के बात करते हुए बीच में अपनी बात डाले, ये वाला नहीं है. अभी जो बात हो रही है ना वो बैक एंड फोर्थ हो रही है. सो यू कैन थिंक ऑफ ऑल ह्यूमंस बीइंग एज अ वन साइड ऑफ द कन्वर्जेशन. तो कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि दो साइड की कन्वर्जेशन है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना वो सारे हमेशा एक साइड पर ही होंगे. मतलब मेरी जैसे ऐप है तो उससे एक तो है कंप्यूटर एक साइड उसकी, और जो दूसरी साइड है ना वो चेंज होती रहेगी, कभी कोई दूसरा ह्यूमन होगा कभी कोई दूसरा ह्यूमन होगा. तो वन साइड पे आप दुनिया के सारे ह्यूमंस को रख दो और वन साइड पे कंप्यूटर को रख दो. तो कह रहे ऐसे आप सोचेंगे इसको. एज द एप्लीकेशन डेवलपर यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन व्हाट कंप्यूटर सेज. आपको पूरा इख्तियार है कि कंप्यूटर क्या जवाब दे. अच्छा, एज यू वॉन्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट द यूजर से. कह रहे यूजर सामने से क्या बोलेगा ना उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है. यूज़र गाली भी दे सकता है सामने से, यूज़र जो है वो चाय भी मांग सकता है जो आपकी एप्लीकेशन बना के नहीं देती. सही है, यूज़र कुछ भी सामने से बोल सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते यूज़र को. अच्छा, लेकिन हम जो यहाँ से जवाब देंगे इस पे पूरा कंट्रोल है. अच्छा, बट यू मस्ट एंटिसिपेट व्हाट माइट कम इनटू द एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द एप्लीकेशन शुड रिस्पॉन्ड. कह रहे हैं कि आप रोक तो नहीं सकते यूज़र को, लेकिन आप एंटिसिपेट ज़रूर करोगे कि अच्छा यार ये बोलेगा यूज़र. मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए यूज़र क्या बोलेगा, पॉसिबली क्या बोलेगा कि ऑर्डर पिज़्ज़ा आई एम हंग्री. तो ये एंटिसिपेट हमें करना पड़ेगा, हमें ये एम्पेथाइज करना पड़ेगा कि अच्छा यार एक बंदा सामने से क्या बोलता है. तो एंटिसिपेट करके हम जो है ना अपने हिसाब से पूरा लगा देंगे. यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ यूज़र विल रिस्पॉन्ड बट यू कैन शेप देयर रिस्पॉन्सेज कम द मेथड ऑफ डूइंग चैप्टर 8. ठीक है, अब वो कह रहा है कि चैप्टर 8 में इसके जो कोडिंग प्रैक्टिस है अलेक्सा के साथ वो करवाएगा ये. ठीक है, हम अलेक्सा को कवर नहीं कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू करेक्ट अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग राइट हियर. अब कह रहा है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी समझ लो आपके. VUI इज अ कन्वर्जेशनल इंटरफेस बट नॉट ऑल कन्वर्जेशनल इंटरफेस आर द सेम. कह रहा है कन्वर्जेशन तो हो रही है ना, बातें हो रही हैं, लेकिन एक है वॉइस इंटरफेस और एक है कन्वर्जेशनल इंटरफेस. कह रहा है कि सारे कन्वर्जेशनल इंटरफेस में ज़रूरी नहीं है कि वॉइस हो. कुछ टेक्स्ट से कन्वर्जेशन हो रही है, कुछ वॉइस से कन्वर्जेशन हो रही है, दोनों हो रहे हैं ना. जस्ट एज वी वुड नेवर से द डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन शुड हैव द सेम UI. तो कह रहे हैं कि आपका जो जिसमें बात करके बात हो रही है ना
वो अलग होगा डिज़ाइन उसका, उसका डिज़ाइन फ़र्क होगा जिसमें लिख के बात हो रही है। फेसबुक पे बोल के नहीं आप चैट कर सकते, ठीक है ना। चैट बॉट अगर फेसबुक पे लगा हुआ है तो आप टाइप करके बात करते हैं वहाँ पर, तो टाइप करके जहाँ पे कन्वर्जेशन हो रही होगी ना, है वो भी कन्वर्जेशनल इंटरफेस, लेकिन वो VUI नहीं है। ये बात कर रहा है मेनली VUI की, ये अभी वो टेक्स्ट वाली बात नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। अभी जो शुरू से हमने पढ़ा है ना, वो शुरू से VUI बात हो रही है। तो यहाँ पे इसने डिस्टिंग्विश कर दिया कि भाई मैं कर रहा हूँ VUI की बात, वॉइस यूज़र इंटरफेस, मैं अभी टेक्स्ट वाले की बात नहीं कर रहा। अच्छा, हम जितने भी फ्रेमवर्क हैं डायलॉग फ्लो के समेत और रासा और ये चैट GPT, ये सारे फ्रेमवर्क टेक्स्ट बेस्ड हैं, ये वॉइस बेस्ड नहीं है। इनको टेक्स्ट देते हैं, हम टेक्स्ट में जवाब आता है फिलहाल के लिए। डायलॉग फ्लो में ये ऑप्शन है कि आप वॉइस भेजते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो करता क्या है, वो उसको पहले कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में, लिखा हुआ है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, और पैसे भी सेम उतने ही चार्ज करता है जितना टेक्स्ट टू स्पीच के या स्पीच टू टेक्स्ट के पैसे हैं, ठीक है। तो वॉइस भेजते हैं, वॉइस मिलता है, लेकिन असल में वो कन्वर्जन मारता है पीछे। डायलॉग फ्लो इटसेल्फ टेक्स्ट पे काम करता है। तो कह रहे हैं कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में भी वही वेबसाइट खुलती है और डेस्कटॉप में भी वही वेबसाइट खुलती है ना। वेबसाइट तो दोनों में, स्क्रीन दोनों में, लेकिन UI दोनों की अलग अलग होती है। मोबाइल की UI अलग तरह की होती है, छोटा स्क्रीन है तो छोटे के हिसाब से होती है, बड़ी स्क्रीन पे UI अलग खुलती है। तो कह रहा है इसी तरीके से जो कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा ना, जिसमें आवाज़ होगी, बोल के बात करेगा बंदा, उसका जो डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट होगा। डिज़ाइन जब मैं कह रहा हूँ तो ये रियली डिज़ाइन की बात हो रही है, ठीक है, जो हम डिज़ाइन डिस्कस कर चुके हैं वो वाला डिज़ाइन। और जहाँ पे टेक्स्ट में बात हो रही होगी वो टेक्स्ट वाला होगा, जो बोल के हो रहा होगा वो बोल के होगा। ये दो अलग अलग है, वॉइस एप्लीकेशंस एंड चैट एप्लीकेशंस। अब इसने देखो यहाँ पे अलग दोनों को नाम दे दिए कि एक वॉइस एप्लीकेशन होगी, एक चैट एप्लीकेशन होगी। वॉन्ट हैव द सेम इंटरफेस इवन इफ दे आर बोथ हैंडल थ्रो द कन्वर्जेशन एंड बोथ बिकम पॉपुलर अराउंड द सेम टाइम। कह रहे हैं कि चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन, कह रहे हैं कि वो सेम टाइम पे पॉपुलर हो गए, एक एक साथ पॉपुलर हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये हैं थोड़े से फ़र्क आपस में। देयर आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन द टू दैट डिस्ट्रॉय द ड्रीम ऑफ वन बॉट एनी प्लेटफॉर्म नो चेंजेस, ठीक है। अच्छा, शुरू में ये डायलॉग फ्लो ने भी किया था कि इंटीग्रेशन 10-12 दे देते थे कि वन क्लिक पे सब पे इंटीग्रेट करते रहो। तो कह रहे हैं कि ये जो आपका ड्रीम है ना कि वन बॉट होगा और सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा विदाउट एनी चेंजेस, तो ये ख्वाब आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट वॉइस वाले प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए एक अलग चैट बॉट बनेगा, और टेक्स्ट वाले जो है उनके लिए अलग चैट बॉट बनेगा, ठीक है। अलग चैट बॉट का मतलब है कि अंदर सर्वर पे अलग अलग वेबहुक बनेगा, ठीक है। चैट बॉट तो खैर अलग नहीं होगा, वो तो एक ही होगा, लेकिन किस में रिस्पॉन्ड कैसा करना है, जुमला कैसा कंस्ट्रक्ट, या अभी पता नहीं क्या क्या चेंजेस हैं, आगे बता रहा है ये, तो आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जुमले की बात कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इवन दो ये तो अभी कह रहा है ना वॉइस और वो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि इवन अगर आपने एक चैट बॉट बनाया है और सेम चैट बॉट को आपने फेसबुक पे लगाना है और साथ साथ गूगल असिस्टेंट पे लगाना है, अगर गूगल असिस्टेंट भी वैसे अब आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा कुछ दिनों में, तो या कोई टेलीग्राम पे लगाना है साथ में, या दो तीन प्लेटफॉर्म पे, तो वो इतना ज़्यादा घनचक्कर हो जाता है ना अंदर कि मैं फिर तौबा कर लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार अलग अलग ही बनाता तो सही था। अभी तक मैंने बनाया तो नहीं अलग, फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिए एक ही बनाया चैटबॉट मैंने जो अभी तक बनाया, लेकिन मैं ऐसा कानों को हाथ लगाने लग जाता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ यार अलग अलग ही बनाता हूँ ना, वही सही था। तो ये क्यों, रीज़न उसका क्या होता है? रीज़न उसका ये होता है कि फेसबुक में जो रिच रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं होता ना, बटन्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं। अब इमेज लगाने का कोड फेसबुक का जो है वो डिफरेंट है और टेलीग्राम का जो है वो डिफरेंट है, तो मुझे दोनों को इफ़ लगा के ना, कि इफ़ रिक्वेस्ट केम फ्रॉम फेसबुक, इफ रिक्वेस्ट केम फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स बनाने पड़ते हैं। बात तो एक ही है टेक्स्ट में, लेकिन इमेज वाला रिस्पॉन्स अलग होता है, तो वो फिर किसी में जो है वो सजेशन चिप भी है, सजेशन चिप भी दोनों की अलग तरह से लगती है, तो वो अल्टीमेटली ना इतना ज़्यादा इफ लग जाता है ना। अच्छा, फिर जो रिक्वेस्ट आती है जो, उसमें भी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ जो ये बात की है इसने, रिक्वेस्ट जब आती है ना फेसबुक से जब आती है, तो मैं उसमें यूज़र को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, उसमें आईडी आती है यूज़र की, यूनिक आईडी है ना, फेसबुक की यूनिक आईडी। अब वो मैंने डेटाबेस में अलग सेव किए हुए कि इस आईडी के साथ यूज़र कौन है, एक दफ़ा गेट करके ना उसका पूरा प्रोफाइल फेसबुक से वो मैंने सेव कर दिया उसकी आईडी का, तो हर दफ़ा वो आईडी आती है फेसबुक की अपनी यूनिक आईडी जो है, जिस नाम से साइन अप है बंदा, उस आईडी को लेके मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस से यूज़र पकड़ देता हूँ।
लेकिन जब सेम रिक्वेस्ट टेलीग्राम से आती है तो वहाँ पे जो प्रोफाइल मुझे आईडी मिलती है वो टेलीग्राम की यूनिक आईडी मिलती है, उसका फ़ोन नंबर मिलता है एक्चुअली। अब मुझे फ़ोन नंबर से यूज़र एक्सट्रैक्ट करना है, फिर अगर इसी तरीके से किसी और प्लेटफॉर्म से आती है रिक्वेस्ट तो उससे भी कुछ अलग आईडी मिल रही होती है। वेब में तो मेरी मर्जी है ना कि चलो ईमेल से मिलेगी अगर, तो अब वेब में ईमेल जा रही है यहाँ से, तो तीन अलग अलग तरह के इनपुट्स होते हैं तीन जगह से जो आ रहे हैं। तो वो शुरू में भी इफ़ लगते हैं तीन चार कि रिक्वेस्ट अगर यहाँ से आ रही तो प्रोफाइल ऐसे गेट करो और वेरिएबल में रख लो, अगर रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही तो प्रोफाइल ऐसे गेट करो, तो आते हुए भी रिक्वेस्ट में तीन चार इफ एल्स, फिर दरमियान की प्रोसेसिंग एक होगी, वो अब वो भी सेम नहीं होती जैसा कि इसने कह दिया, सेम रखने की कोशिश की है मैंने उसको भी कई दफ़ा, लेकिन उसमें क्या होता है अभी वो भी समझाता हूँ। तो ऊपर तीन चार इफ एल्स और रिस्पॉन्स जाते हुए तीन चार इफ एल्स। अब दरमियान में ये होता है जो अभी ये बात आगे करेगा अभी, क्योंकि ये तो मैंने बुक कई दफ़ा पढ़ी है, ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, कि जब टेक्स्ट में आप जवाब देते हैं ना तो आप जवाब देते हैं मुख्तलिफ तरह से, और वॉइस में जब देते हैं तो देते हैं मुख्तलिफ तरह से। अच्छा, इसी तरीके से आप जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं ना समटाइम, तो उसमें भी जवाब आपका डिफरेंट हो जाता है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके अंदर आप पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो अगर वो फेसबुक से आया है ना तो फेसबुक पे तो पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है चैट के अंदर अंदर, लेकिन टेलीग्राम पे नहीं होती। तो आप उसको बीच में प्रोसेसिंग में भी इफ़ लगेगा। अभी एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फोटो को सपोर्ट नहीं करते अगर, ठीक है, जैसे SMS से मेरे पास आया है इनपुट, भाई SMS से भी तो कनेक्ट हो सकता है ना, ट्विलियो में फ़ोन नंबर खरीदते हैं वो कनेक्ट हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, या WhatsApp से अगर किया है मैंने, तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ़ोटो नहीं जाती और रिस्पॉन्स में मुझे फ़ोटो भेजनी है, तो मैं वहाँ पे इफ़ लगाऊंगा दरमियान की प्रोसेसिंग में भी, कि भाई इफ़ दिस प्लेटफॉर्म है तो उसमें टेक्स्ट लिख दो कि भाई दिस प्लेटफॉर्म डज नॉट सपोर्ट फ़ोटो, और मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल कर दी, तो ईमेल का फिर पूरा कोड वो पोस्ट मार्क करके API और सेंड ग्रिड के नाम से, ये दोनों APIs हैं, इनसे ईमेल भेजते हैं, तो मैं वही फ़ोटोज़ को फिर क्या करता हूँ ईमेल में भेज देता हूँ। तो प्रोसेसिंग में भी दरमियान में चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ टेक्स्ट में रहते रहते हुए, अभी वॉइस की बात अभी आई भी नहीं है, अभी मैंने किसी वॉइस के प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं किया। अब वो वॉइस में क्या होगा वो ये बता रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंट, अ पर्सन चैट विद अ पर्सन थ्रू टेक्स्ट वेयर एज स्पीक विद अलेक्सा, कोर्टाना और सीरी कह रहे हैं कि अब आप ना ऑब्वियस डिफरेंट है कि अब एक बंदा बंदे से कैसे बात करता है और बंदा अलेक्सा से कैसे बात करता है। द मीडियम दैट इज वॉइस और टेक्स्ट, अगर मीडियम वॉइस है या टेक्स्ट है, शेप दैट ईच पार्टनर इन कन्वर्जेशन सेज, कह रहे हैं कि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है चीज़। नंबर एक तो ये डिपेंड करता है कि वॉइस है या टेक्स्ट है, ये मीडियम जब फ़र्क होता है ना तो वो क्या करता है, ये मीडियम फ़र्क होने की वजह से ये मीडियम शेप कर देता है किस चीज़ को, कि दो पार्टिसिपेंट्स जो बात कर रहे हैं ना वो क्या बोलेंगे। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है मीडियम के साथ कि क्या मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देखो दोबारा इस जुमले को समझते हैं कि द मीडियम शेप व्हाट ईच पार्टनर इन कन्वर्सेशन सेज, द वर्ड चूजन, द रेट ऑफ रिस्पॉन्स, द डेप्थ ऑफ द रिस्पॉन्स आर ऑल इम्पेक्टेड बाई चॉइस ऑफ यूजिंग टेक्स्ट वर्सेज वॉइस। कह रहे हैं कि जब आप टेक्स्ट पे बात करते हैं ना, और जब आप जैसे किसी से SMS पे बात हो रही है, किसी से कॉल पे बात हो रही है ना, तो क्या क्या चीज़ें चेंज बताई इसने, द वर्ड चूजन के कौन से अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है ये चेंज हो जाता है, रेट ऑफ रिस्पॉन्स कितनी तेज़ी से बोल रहा है बंदा, चैट में जाहिर है इतनी तेज़ी से नहीं बोल सकता, थोड़ा हल्के हल्के लिखेगा कि भाई एक मैंने मैसेज किया तो सामने से जवाब कितनी देर में आएगा, 15 सेकंड में आ जाएगा शायद, ये 5 सेकंड में आ जाएगा, इससे ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ सकता। लेकिन कॉल पे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला हेलो, हेलो बोला तो इंस्टेंट है फिर तो जवाब, तो ये रेट भी चेंज हो गया। अच्छा, डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स कि कितना गहरा सामने से बात कर रहा है बंदा, कितनी गहरी बात, मतलब कितनी गहरी बात का मतलब है कि कितनी डिटेल में बात कर रहा है, डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे बंदे ने सामने से हाई लिखा मैसेज में, तो बंदा उसको क्या जवाब देगा, सामने से हाय जवाब देगा या हेलो दे देगा या साथ में पूछ लेगा हाउ आर यू, ये पूछ लेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, और अगर फ़ोन पे बंदे ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो सामने से क्या जवाब आएगा, वाईम सलाम, वाईम सलाम, कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं, और हाँ नहीं, ये मूड पे डिपेंड नहीं, लेकिन जवाब लंबा होगा ये पक्की बात है। अगर तो तसल्ली से भी दोस्त है ना, अगर दोस्त बात कर रहे हैं दो लोग,
हाँ और सुनाए भाई क्या चल रहा है, और वो दो चार सवाल आगे से मतलब ठोक देगा है ना, और हो सकता है कि वो अगर उसका कोई निक नेम वेम होगा ना तो वो फिर वो निक नेम भी साथ में ऐड करेगा, अबे हेलमेट आज कैसे याद कर लिया भाई, समझ रहे हो, इस तरह की एक बात होगी। तो ये तीनों चीज़ें चेंज हो गई इसके अंदर, फौरी तौर पर चेंज हो गई है ना, कि क्या वर्ड चूज़ कर रहा है, ये हेलमेट वेलमेट वो मैसेज पर नहीं लिखेगा, मैसेज वो हाई बोलना है उसने सीधा, सही है। अच्छा अगर तो हेलमेट वाला सीन है ना ये वाला, तो सामने से हाय अगर बोला ना हेलमेट ने, तो सामने से वो क्वेश्चन मार्क बना के भेजेगा कि क्या अबे वो हाय लिखना भी गवारा नहीं करेगा। तो वर्ड चूजन ये चेंज हुआ, रेट ऑफ रिस्पांस सही है, एग्री हो सब लोग इस पे, ये चेंज हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि डेप्थ ऑफ रिस्पांस, कि सामने से ना अगर बंदे ने बोला ना कि यार, जैसे हम कभी रात को किसी दोस्त को मैसेज किया कि यार आजा भाई कहीं बैठते हैं चाय शाय पे या डिनर पे जा रहे हैं, तो अगर मैसेज में बात करूंगा तो मैं लिखूंगा कि कमिंग, उसने सामने से बोला कि भाई मीट मी एट गालिब, ठीक है गालिब एक हमारे पास है वो है रेस्टोरेंट है, ठीक है, या उसने बोला कि भाई मेरे पास आ जा चलते हैं, बस इतना लिखेगा ना वो, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखेगा, मैं उसको बोल दूंगा कमिंग, या मैं पूछूंगा कि कहाँ, तो वो बोलेगा कि यार मिसाल के तौर पे कोई भी रेड एप्पल वेपल जो भी नाम लेगा वो, जहाँ पे भी जाना होगा, तो मैं उसको या तो ओके करूँगा या तो फिर मैं अगर छोटी समझ में नहीं आएगी मुझे बात तो मैं सीधा फिर कॉल करूँगा, कॉल करके बाकी की बात। अच्छा यही चीज़ अगर कॉल पे हो रही है ना बात, तो मैं उससे पूछूँगा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, उसने कहा भाई यार वहाँ पिछले हफ्ते जहाँ गए थे ना बड़ा टाइट था, वो वहीं चलते हैं दोबारा, लंबी बात की ना इसने, गहरी बात की, डेप्थ की। मैंने कहा अरे यार पिछले हफ्ते कौन सा वाला, वो जहाँ हम बैठे थे बाहर ढाबे पर बैठे थे जो कार्ट पर जो लगा हुआ था वो वाला, वो कहेगा हाँ कार्ट वाला, ये वो कहेगा नहीं कार्ट वाला नहीं, वो जहाँ पे हम नीचे फर्श पे बैठ के खाया था, फर्श ही थी जहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये बात गहरी होगी बात, ये वॉइस पे बिल्कुल अलग है, ह्यूमन टू ह्यूमन। अभी हम ये तो सारी बातें पता है, ये तो जस्ट रियलाइजेशन की बात है, डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्या है वो रियलाइजेशन। जैसे मैंने जब डिज़ाइन डिस्कस कर रहा था तो मैंने किया था कि डिज़ाइन जो है वो चीज़ें देख लेता है जो आम बंदे को नज़र नहीं आती, आम आदमी की नज़र से चीज़ों को देखना जानता है, और वो कुछ देख लेता है जो आम आदमी को नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें आज से पहले भी पता थी आपको लेकिन नज़र नहीं आ रही थी, तो ये डिज़ाइनर एक आम आदमी की नज़र से देखता है और वो उसको इन डेप्थ देखता है। अच्छा कंसिडर प्लानिंग फॉर द कैंप ट्रिप, सही है कैंप ट्रिप। अब इसने वही वाली बात की है नीचे कि अब ये एक अलेक्सा और ये सोफिया है ना, ये दो बंदियां हैं, ये बात हो रहा है एलेक्स और सोफिया, एलेक्स एक बंदा है और सोफिया एक बंदी है। तो प्लानिंग ऑन ट्रिप ऑन टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट पे ना इसने लिखा है कि ओके सो कैन वी गो फला फला जगह, तीन जगहों का नाम लिखा है इसने, कैन वी गो प्लेस ए प्लेस बी और प्लेस सी, इफ वी गो प्लेस ए शुड वी गो इन द अक्टूबर बिकॉज इट विल बी हॉट इन समर। अब सामने से सोफिया ने जवाब दिया कि हाउ अबाउट बिग बैंड, सही है मतलब इसने एक प्लेस का नाम लिया कि यार इस जगह पे चलते हैं। अच्छा नाउ कंसिडर दिस ऑन वॉइस, कह रहे हैं वॉइस पे आप देखो क्या हो रहा है, एलेक्स ने बोला ओके वी हैव फ्यू चॉइसेस सोफिया व्हाट आर दे। अब ये रिस्पॉन्स की ना तादाद भी बढ़ गई है इसमें, क्योंकि इस वाले केस में उसको पता था यार एक ही मैसेज लिखना, थोड़ा कंसाइज करके जल्दी से लिख देते हैं सारी बात उसमें एक में लिख देते हैं, क्योंकि कहीं जाना है ना रेस्टोरेंट में कहाँ जाना है। अच्छा तो इसमें ना छोटी छोटी बात हो रही है और फ्रीक्वेंटली हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इसने प्लेस ए प्लेस बी और प्लेस सी तीन प्लेसेस का नाम लिया, इसने बोला भाई प्लेस सी प्लेस नंबर तीन, अच्छा ऑल राइट बट वी कैन गो ऑन अक्टूबर और दिस सो हॉट, ये स्टेप्स बढ़ गए इसके, थोड़े शॉर्ट हो गए हैं जुमले, इसके केस में थोड़े जुमले शॉर्ट हो गए हैं, सही है। हमारे केस में लेकिन ये अभी के डेमोग्राफिक्स के अगर हम अंदर अब देखें तो हमारे पास ना चैट के ऊपर जुमले बहुत शॉर्ट चल रहे हैं, शॉर्टकट्स बहुत चल रहे हैं। अच्छा अब ये भी एक डेमोग्राफिक्स पर डिपेंड करता है कि ये क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश के अंदर ना टाइपिंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। हम तो इंग्लिश में ही बनाएंगे चैटबॉट लेकिन इंग्लिश में टाइपिंग का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, हम लोग आम तौर पे इंग्लिश में टाइपिंग नहीं करते है ना। तो मतलब मैं भी इंग्लिश में टाइप जब करता हूँ, जब मैं फेसबुक पर पोस्ट वोस्ट लगा रहा होता हूँ ना कभी जब करता हूँ, जैसे दोस्तों में आमतौर पर ना बहुत कम अंग्रेज़ी प्योर बोली जाती है, सही है। जैसे मैसेज को वो MSG करके हम लिखते हैं हमेशा, पूरा मैसेज कौन लिखेगा यार व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, कि या प्लीज़ को PLZ लिखते हैं यार,
तो ये पूरा तो नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है. तो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते वो चलते हैं. यहाँ पे इसने जो बताया ये भी बात ट्रू है, लेकिन अभी के डेमोग्राफिक्स में हमें अपने भी सराउंडिंग में ज़रा देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या था. ठीक है, वो हो गया, ये हम पूरी बात कवर कर ली हमने. अच्छा, वॉइस डिवाइड्स इट्स ओन वे, देयर आर नो एब्रीवेशंस और मिस स्पेलिंग्स. कह रहे हैं कि वॉइस के अंदर जो है ना कोई एब्रीवेशन यूज़ नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, प्लीज़ पूरा ही बोलता है बंदा. ठीक है, मिस स्पेल नहीं होता इसके अंदर, प्लीज़ का मिस स्पेल क्या होगा. ठीक है, कोई इसको प्लूज तो नहीं बोलेगा, प्लीज़ ही बोलेगा. तो क्योंकि वो ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन अगर गलत कर दे स्पेलिंग तो वो कर दे, अदरवाइज वो स्पेलिंग गलत नहीं होती आमतौर पर. बट देयर आर कॉन्ट्रैक्शंस, अनएक्सपेक्टेड पॉजेज, फिलर वर्ड्स, बट लाइक. ठीक है, फिलर वर्ड्स भी कुछ होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो पॉज बंदा ले रहा होता है. स्वालो वर्ड, ठीक है, स्वालोड वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसे बात बोली कि मुंह में ही दबा ली उसको, सही से आवाज़ बाहर नहीं निकाली. ठीक है, एंड मिस प्रोनाउंसिएशंस, मिस प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि अब ये न्यूमेरियस एक वर्ड है, अब उसको कोई न्यूमेरियस पढ़ रहा है, कोई न्यूमेरियस बाहर आ गया, करियर है जैसे, तो उसको कुछ लोग कैरियर कहते हैं, कुछ लोग करियर कहते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट जगहों की डिफरेंट है. वैसे खैर वो तो समझ लेता है इतना, लेकिन किसी ने बिल्कुल ही मिस प्रोनाउंस कर दिया कि जो वर्ड है ही नहीं, मतलब सर्कल को उसने किसी ने क्रोकल पढ़ दिया या परसू को किसी ने परसुइट पढ़ दिया. ठीक है, परसू असल वर्ड है, उसको परसुइट अगर पढ़ दिया किसी ने तो मे बी उससे प्रॉब्लम हो जाए. दीज आर ऑल स्टैंडर्ड आइटम्स दैट पीपल नो हाउ टू अकाउंट फॉर. कह रहा है कि ये वो सारी चीज़ें हैं ना जो ह्यूमन टू ह्यूमन तो जानता है ह्यूमन कि इसको कैसे अकाउंट करना है. सही है, वो इन चीज़ों को अकाउंट में रखता है कि हूँ कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इसके बाद बोलेगा कुछ. अच्छा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता. मैनी ऑफ दीज डिफरेंसेस अकर इन द इनपुट इन व्हाट द यूज़र इज सेइंग टू द कंप्यूटर. ऑल्दो वी आर वेलकम टू इंक्लूड द पॉजेज, अदर डिसफ्लुएंसीज, मुश्किल वर्ड यूज़ किए हैं इसने इस बुक में, इन योर एप्लीकेशन वॉइस रिस्पॉन्स आई एडवाइज नॉट टू, बिकॉज you can easily slip into the situation where the application responds just a bit off and end up distracting from the experience. कह रहे हैं कि आप चाहें तो ये चीज़ें आप अपने भी रिस्पॉन्स में ऐड कर सकते हैं, हूँ हाँ करके वो थोड़ा पॉज लेके बोले, लेकिन कह रहे हैं कि मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जाहिर है हमने देखा है जुमला कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, है ना, हम जुमला कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. वैसे में अगर हमने हूँ हाँ लगाने की कोशिश की ना तो लिखा है इसने कि वी मे एंड अप अ बिट ऑफ, कि वो सिर्फ फुल स्टॉप कहीं पर हूँ सिर्फ आ रहा होगा, हूँ सिर्फ सबसे पहले ना आ जाए, कहीं बीच में ना आ जाए, कहीं इस तरह वाला कोई चक्कर हो सकता है. ठीक है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा अगर हम ये ऐड करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप फिलहाल के लिए उसको ना लगाएं. ठीक है, उससे होगा क्या कि बंदे का एक्सपीरियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा कि अरे ये ऐसे करने से ना ये ऐसे करता है, इसको ऐसे बोलो ना तो जवाब में ये ऐसे करता है. मिसाल के तौर पर अलेक्सा में, सीरी में भी लोग क्या करते हैं, वो उसको एक सर्टन नंबर बताते हैं तो उसका जो आंसर है ना वो पॉइंट में 3333 ऐसे आता है. तो वो किसी को तंग करना होता है ना तो वो सवाल पूछ लेते हैं, वो 33 करता रहता है आधे घंटे तक के लिए, वो चुप ही नहीं होता. तो वो लोग इस मतलब खेल तमाशा बना लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 100 है. तो वो ऐसे बोलता चला जाता है कि भाई 3 2 5 7 6 8 7 इतना 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 पता नहीं क्या. अच्छा, तो दैट्स नॉट टू से दैट एनी रिस्पॉन्स यू बिल्ड आर अनअफेक्टेड बाई द मीडियम. A good way to see how to step away from the comparison with chatbots, look at how voice differ from the GUI while using something called cooperative principle. अब कह रहा है कि ये medium से जो आपका response है ना ये तो effect नहीं होता आमतौर पर, क्योंकि response तो आप दे रहे हैं सामने से. ठीक है, लेकिन इस बारे में ये uncertain है, कह रहा है कभी हो भी सकता है, कह रहा है ना कभी शायद हो भी सकता है कि डिफरेंट मीडियम से जब बंदा आता है तो आप उसको डिफरेंटली जवाब देते हैं. अच्छा, अनसर्टेन ये क्यों है, वो इस वजह से है कि अब जाहिर है जब टेक्स्ट में आप जवाब देते हैं ना सामने से, वो इसने बात की नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ उससे कि जब सामने से आप जवाब देते हैं तो वॉइस वाले मीडियम में आप भी एज अ कंप्यूटर लंबा जवाब दे सकते हैं, है ना, लेकिन टेक्स्ट में नहीं दे सकते आप. ये टेक्स्ट में आपने एक लाइन का या दो लाइन का जवाब देना है, वो पढ़ेगा नहीं ना फिर, वो तो मजमून कौन पढ़ेगा. मुझे अगर WhatsApp पे कोई दो लाइन से ज़्यादा का मैसेज कर देना, मैं नहीं पढ़ता उसको,
मैं शुरू की एक लाइन पढ़ता हूँ, उसी से समझता हूँ कि क्या है और जवाब दे देता हूँ। हाँ, वो शुरू की एक लाइन से ही मैं समझता हूँ कि क्या है, दूसरी दो लाइन से ज़्यादा तीसरी लाइन मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, हिम्मत नहीं होती इतनी यार, इतने सारे मैसेज भी आने लगते हैं, फिर वो पता नहीं या जवाब देता हूँ या तो फिर देता ही नहीं हूँ जवाब। अगर मुझे एक दो लाइन में समझ ना आया ना मज़मून उसका, तो मैं वॉइस लिखता हूँ, कहता हूँ यार आपने ये बहुत लंबा लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। सही, आप वॉइस मैसेज कर दें तो वो सही है। तो इस तरह कुछ कर रहा होता हूँ मैं पर्सनली अपने अपने आप को लेकर। तो लेकिन बात वही है कि मैं जवाब जब लंबी बात करनी होती है ना, तो मैं वॉइस मैसेज करता हूँ, टेक्स्ट पे मैं लिख थोड़ी सकता हूँ इतना लंबा। अच्छा, बीच में वो मैं यूज़ करने लगा था वॉइस इनपुट, कीबोर्ड में एक माइक का बटन होता है ना, दबाओ और बोलो लिखता है, मगर वो एक तो लिखता है सिर्फ अंग्रेज़ी, हाँ वो ख़राब भी करता है फिर, और लेकिन मसला ये है कि वो फिर उसमें भी मैंने तो भेज दिया, सामने से जो पढ़ रहा है उसके लिए भी तो प्रॉब्लम है ना। तो मैं फिर टोटली अब वॉइस वाले पे चला गया हूँ कि अब वॉइस मैसेज सही है। टेक्स्ट में थोड़ी बहुत छोटी मोटी ना कि कमिंग, नॉट कमिंग, ऑन द वे, पाँच मिनट, इस तरह वाली बात मैं टेक्स्ट में करता हूँ, बाकी वॉइस वन लाइनर होता है वॉइस टेक्स्ट जो है। तो ये इफेक्ट, एक पहला इफेक्ट तो ये है कि अगर टेक्स्ट पे बात हो रही है तो जवाब शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, और अगर बात हो रही है वॉइस में तो जवाब फिर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर बात हो रही है वॉइस में तो जुमला ना प्योरली ऐसा होना चाहिए जो बोला जा सके, समझ रहे हो, ये फ़र्क है कि जो चीज़ लिखी हुई होती है और जो चीज़ बोली जा रही होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मुझसे वेदर पूछा है ना, तो वेदर पूछा है अगर और लिखा हुआ जवाब है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि सेंटीग्रेड और कॉलन और सामने टेम्परेचर, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, कॉलन और ह्यूमिडिटी, ऐसे पूरा चार्ट जैसा टेक्स्ट बना के दूँ उसको ना, मैं कर सकता हूँ ना भाई, टेक्स्ट चार्ट जैसा टेक्स्ट बना के दूँ मैं उसको, टेक्स्ट से ही बहुत ईजिली बिल्ड हो जाएगा। मैं एक लाइन जितनी लिखनी होगी लिखूँगा, लाइन ब्रेक मारूंगा नीचे, अगली लाइन पर लेके जाऊँगा उसको बैक स्लैश एन से, और फिर अगली उतने ही स्पेस दे के अगली लाइन लिखूँगा, और फिर ऐसे करके मैं पूरा चार्ट जैसा उसको रिस्पांस दूंगा। अच्छा, लेकिन इस चार्ट जैसे रिस्पांस को अगर डायरेक्ट इसको ट्रांसक्राइब किया जाए ना वॉइस में, तो वो तो कॉलन वॉलन फुल स्टॉप कॉमा सबको पड़ेगा जब वो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हो सकता है मैंने ब्रैकेट्स भी मार दी हूँ कि भाई सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा, फिर वो लिखा कि 30 डिग्री टेम्परेचर, उसके आगे सी लगाया, और फिर ब्रैकेट में मैंने एफ भी लिख दिया कि इतने फॉरेनहाइट, 68 फॉरेनहाइट या समथिंग जो भी, तो मैंने वो दोनों एक साथ ही लिख दिया। तो ये टेक्स्ट पे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसको एग्जैक्टली अगर वॉइस में कन्वर्ट किया जाए तो वो ब्रैकेट को क्या प्रोनाउंस करेगा, या वो उसको कैसे समझेगा कि टेम्परेचर मैं सेंटीग्रेड में भी बता रहा हूँ, फॉरेनहाइट में भी, तो इसको तो जुमला कोई बनेगा ही नहीं, जुमला बनेगा भी तो वो बहुत ऑफ होगा, ऑफ जुमला होगा, है ना। तो ये टेक्स्ट पे जब बात हो रही होगी ना, तो जुमला बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगा, और जब वॉइस पे बात हो रही होगी तो अगर ये चीज़ मैं वॉइस पे बोलूँगा ना, तो मैं उसको कैसे बोलूँगा। इवन दो अगर मैं अभी सीरी से भी पूछूँ ना, हे सीरी, हे सीरी, व्हाट्स द टेम्परेचर, इट्स 24 डिग्रीज राइट नाउ। अच्छा, इसने ना 24 डिग्रीज राइट नाउ तो मुझे बोल के बताया, लेकिन आप स्क्रीन पे अगर देखें तो कार्ड भी एक बना हुआ आ रहा है, उस पर जो है ना बादल भी बने हुए थे, व्हाट्स द वेदर, गायब हो गया वो। It's currently cloudy and 24 degrees. यार इसकी आवाज़ कैसे चेंज हो गई आज अचानक, देख रहे हो, क्लाउड बना हुआ है, उस पर क्लाउडी लिखा हुआ है, रेन चांस 0% लिखा हुआ है, 24 बड़ा सा लिखा हुआ है सेंटीग्रेड, और 32/21 भी लिखा हुआ है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, सही है, और नीचे लिखा हुआ है कि वेदर डेटा सोर्स भी लिखा हुआ है, और ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है वेदर, बहुत कुछ इस कार्ड में लगा हुआ है, छोटा सा कार्ड है टॉप पे, लेकिन बहुत कुछ लगा हुआ है। तो ये जो मंजन है ना, वॉइस में अलग बोल के बताया, लिखे हुए डेटा में उससे ज़्यादा कंटेंट है जो मुझे बोल के बता, बोल के तो जो उसने टेम्परेचर बताया कि चुप हो गई, लेकिन जो कंटेंट मुझे उसने स्क्रीन पे दिखा दिया ना रिटन फॉर्म में, उसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो कितना डिफरेंस हो गया ना। तो अच्छा जी, तो अब ये कह रहा है कि ना पहले, मगर इससे पहले ना अलग हो सकता है, कह रहा है कि मीडियम की वजह से, एक तो यूज़र का जो बात कर रहा है यूज़र, उसका उसने बता दिया कि रेट अलग होगा, वर्ड जो चूज़ कर रहा है अलग होगा, पॉजेज वगैरह वो लेगा अगर वॉइस में है तो वॉइस में और चैट में अलग तरह से यूज़र का रिस्पांस आएगा, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन हमारा रिस्पांस भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस मीडियम पे जवाब जा रहा है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इससे कॉल ले लूँगा, हेलो, हाँ मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, सैलानी में हूँ, 11 बजे।
اللہ حافظ. اچھا اتنی ٹینشن میں کیوں آ گئے 11 بجے سن کے؟ بہت ٹینشن میں آ گئی ہے کہ سر آج ایک گھنٹے کے لیے چھٹی بند کر دیں گے ہماری. اچھا خیر ہمارے پاس ہیں ابھی 15-20 منٹ ہیں, 15 منٹ آگے تو جا سکتے ہیں نا, وہ تو ایشو نہیں ہے, آدھا گھنٹہ بہت ہے. چار, یہ چار کوآپریٹو پرنسپلز ہیں, ان کو ہم نے کور کرنا ہے. کیا بول رہے ہو بولو؟ وائس تو بھائی جو چیٹ باٹ تو بنے گا ٹیکسٹ پہ, اس کے اوپر ہم گوگل کی وائس کا اے پی آئی لگا سکتے ہیں نا. ابھی وسپر آ گیا, ابھی ان شاء اللہ وسپر لگائیں گے ہم ڈائریکٹ, گوگل گوگل کو کر دیں گے سائڈ پہ. وسپر کی آج میں نے پوسٹ لگائی ہے, اے پی آئی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اس کا, فری نہیں ہے وہ, $18 دیتے ہیں نا شروع میں, اس میں کریں گے. ٹھیک ہے, میرا اکاؤنٹ جب ایکسپائر ہو جائے گا تو تم میں سے کسی کے پاس دو سم ہوگی تو اس سے میں ایک دوسرا اکاؤنٹ بنا لوں گا پھر اس سے. ہاں وہ او ٹی پی بھیجتا ہے وہ تو یار, ابھی تھوڑے دن میں یہ اتنا ہی کم کر دے گا, پھر وہ تھوڑے دن میں کلائنٹ فلائنٹ آ جائیں گے اس کے. ابھی تو کوئی کلائنٹ نہیں ہے میرے پاس چیٹ جی پی ٹی کا, پھر کوئی کلائنٹ آ جائے گا تو اس کا پیڈ اکاؤنٹ ہوگا, اس میں سیکھنے ویکھنے کے لیے اس پہ کیا کریں گے پھر؟ نہیں تو مطلب وہ $18 میں ختم تھوڑی ہوا ہے, وہ ابھی تک $1 بھی پورا ختم نہیں ہوا میرا. ہاں وہ میں ڈیلی اس سے لگا رہتا ہوں, ابھی تک $1 ختم نہیں ہوا, لٹرلی بتا رہا ہوں. اب وہ تو میں نے جو بنائی تھی نا ڈپریشن کاؤنسلنگ, وہ تو ہوسٹ کر کے میں نے دوستوں وستوں کو بھی بانٹی ہے, ایک دو کلائنٹ کو بھی دیا ہے, میں نے کہا چیک کر چلا کے اس کو, تو وہ لوگ بھی چلا رہے ہیں وہ, لیکن کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہے, بہت سستی ہے یار. یہ ڈاکیومنٹ میں تو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے اتنے ٹوکن لگیں گے اتنے, اس کو کیلکولیٹ مارو تو پتہ نہیں کتنا ہیوی بن جاتا ہے, لیکن ایکچوئل میں اتنا نہیں ہے, ایکچوئل میں وہ بہت کم ہے, جو ریئلسٹک جو فگر ہے نا وہ بہت کم ہے چارجز اس کے. اچھا جی, تو ہاں کوآپریٹو پرنسپل, دا کوآپریٹو پرنسپل ڈسکرائب دا فیچرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو این ایفیشینٹ کنورزیشن. اب ایفیشینٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ایفیشینٹ کیا چیز کو کہتے ہیں انگریزی میں, ایک دفعہ شاید ڈسکس ہوئی ہے یہاں پہ بات, یہ واٹ از ایفیشینسی؟ نہیں بھائی, صلاحیت. لیکن صلاحیت تو پاور بھی ہوتی ہے, کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے, ایفیشنسی کس قسم کی صلاحیت کی بات ہو رہی ہے؟ پراپر بالکل صحیح کام کریں, وہ تو ایکیوریسی ہو گئی نا, کم ریسورسز میں زیادہ کام کرتا ہوں, تو یہ تو ویسے ریشننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ قریب قریب بات کیا ہوں. اچھا نہیں, ایفیشنسی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں, قریب قریب بات کی آپ نے. دیکھو مشین جو ہوتی ہے نا, کوئی بھی دنیا کی مشین جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ان پٹ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. جیسے ایک پاور بینک ہے, وہ 10,000 mAh کا پاور بینک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ جب الیکٹریسٹی سے چارج کرتے ہیں تو وہ پورا 10,000 mAh کیا ہو جاتا ہے, اس میں سیو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ پاور اس نے جو برک سے لیا ہے نا, وہ 10,000 سے زیادہ لیا ہوتا ہے, 10,000 فل کرنے, کیونکہ جو ٹریول کرنے میں کنورٹ کرنے میں انرجی ضائع ہو جاتی ہے. اچھا پھر جب اس پاور بینک سے وہ فون میں جب ٹرانسفر ہوگا تو وہ پہلی بات تو وہ 10,000 پورا آؤٹ پٹ نہیں کر سکتا, وہ 80% یعنی جب لاسٹ کا 20% رہ جائے گا نا تو وہ بند ہو جائے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں وہ دکھاتا ہے نا موبائل پہ کہ وہ 0% ہو گئی بیٹری, بیٹری کبھی 0% نہیں ہوتی ان ریئلٹی, کیونکہ اگر بیٹری 0% ہو گئی تو پھر وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے, پھر وہ دوبارہ چارج نہیں ہو سکتی, پھر اس میں کچھ آپ کو ایڈیٹو ڈالنا پڑے گا بیٹری کھول کے پھر ہوگی, تو اس وجہ سے بیٹری 20 پہ روکا جاتا ہے ایک جنرل پریکٹس جو ہے. اور آئی فون وغیرہ یا اسمارٹ فون کے کیسز میں وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم وہ 40% پہ بولتا ہے کہ 0 ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جسٹ فار سیف سائڈ. وہ مطلب اسمارٹ فون نا انٹیلیجنٹلی ڈیسائڈ کرتے ہیں. ابھی آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آئی فون میں نا 1% بیٹری پورا دن بھی چلتی ہے. ہاں یہ ریئلٹی ہے, وہ 1% پہ آ گیا نا, اب وہ بند نہیں ہوتا, اب اس کو یوز کرتے رہو بہت دیر تک چلتا ہے 1%. یعنی اگر یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے 1% ہو گئی نا تو میں باہر جا کے 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, وہاں پہ میں 4G بھی چلاؤں گا, پھر گھر جانے تک یہ آف ہوگا, 2-3 گھنٹے چلتا ہے. تو وہ اصل میں چکر یہ ہوتا ہے کہ وہ 40% پہ بول دیتا ہے کہ 1 ہو گیا یہ, اور پھر وہ باقی کا جو 20% ہے وہ 1 پہ چلاتا ہے. کیا مجھے مینٹل انزائٹی دینے کے لیے جلدی لگا چارج پہ, سمجھ رہے ہو, کیونکہ وہ ایک لیتھیم آئن بیٹری کا وہ چکر ہے کہ اس کو درمیان میں رکھنا ہوتا ہے, نہ 80% سے زیادہ بھی نہیں جانے دیتے. وہ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ فل ہو گیا 100%, وہ اصل میں نئے موبائل میں 60% پہ بولتا ہے فل ہو گیا,
फिर जैसे जैसे पुराना होता है फिर वो 80% तक चार्ज करने लगता है उसको, फिर 80% पे जाके बोलता है हमें दिखाता है 100 हो गया, तो वो इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है स्मार्टफोन कि कहाँ पे उसको जीरो करना है कहाँ पे 100 करना है, स्केल्ड वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो वह क्या होगा कि वो जितना उसमें था वो उतना आउटपुट नहीं आएगा। वेल तो जितनी भी मशीनें होती हैं ना उसका कुछ ना कुछ इनपुट होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तो वो जितना पेट्रोल मैंने डाला था अगर वो पूरा का पूरा पेट्रोल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कि ये इस मशीन की एफिशिएंसी 100% है। सबसे सिंपल मशीन जो है ना वो कैंची है, कैंची इज़ अ सिंपलेस्ट मशीन। एक तरफ से हाथ से हम दबाते हैं जोर लगाते हैं और एक तरफ से आगे कट आउटपुट मिलता है कि कपड़ा कट रहा होता है। तो जितना हम यहाँ से इनपुट देते हैं ना आउटपुट थोड़ा कम आता है उससे। 100% कभी भी कोई मशीन नहीं हो सकती, ये फिजिक्स हमें बताता है, 100% कभी भी नहीं हो सकती। हमारे जो आमतौर पर डीजल इंजन पेट्रोल इंजन है इनकी एफिशिएंसी 60% होती है, ठीक है। 40% जो पेट्रोल होता है वो ज़ाया हो जाता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है, वो कन्वर्जन में ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से जो वॉल सॉकेट है पावर बैंक आप देखेंगे नए वाले जितने भी हैं ना उस पर लिखा होता है कि 80% एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी, शाओमी वाले 90% लिख के देते हैं, होता तो नहीं होगा खैर 90 होना बहुत बड़ी बात है लेकिन वो लिख के देते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो मतलब नॉर्मल पावर बैंक है वो 60-65% होते हैं वो भी। अच्छा इसको आप चेक भी कर सकते हैं भाई देने, अगर आपके पास फ़ोन 5000 mAh का फ़ोन है तो जो 10000 mAh वाला है उसको दो बार फुल चार्ज कर देना चाहिए लेकिन नहीं करेगा, ठीक है। जो सेकंड टाइम वो आके 80% पे या 70% पे ठंडा हो जाएगा। तो 5000 mAh वाला अगर मोबाइल फ़ोन है तो डेढ़ 20% हो जाएगा। हाँ नहीं तो वो तो वो बात सही है कि 10 अगर 5000 मोबाइल है ना आपका तो वो असल में तो चार्ज होगा 3000 क्योंकि लास्ट का 20 और आखिर का 20 ये तो काउंट ही नहीं होता ना, तो वो 3000 है। वेल मगर इसमें कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये सीन चल रहा है ना, कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करके। तो ये एफिशिएंसी ये होती है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ना ज़ाया हो जाती है इन द प्रोसेस। अगर कुछ भी नहीं होती ज़ाया तो 100% है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्क्राइब द फीचर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स एन एफिशिएंट कन्वर्जेशन। अब एफिशिएंसी कन्वर्जेशन में क्या होगी कि कम वर्ड्स में ज़्यादा बात करनी हो जाए, यही होगी ना एफिशिएंसी, कि कम जोर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा दी जाए। तो अभी एफिशिएंसी भी आगे भी बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है एफिशिएंसी जो ये बोली है इसने बात। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिंग्विस्टिक फिलोसोफर पॉल ग्रीस। अब ये लिंग्विस्टिक प्रोफेसर क्या होता है, लिसानियात कहते हैं, एक ज़ुबान के जो माहिर होते हैं ना, ज़ुबानों के माहिर। भाई गाड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो, ठीक है। जो घर बनाने वाला वो सिविल इंजीनियर होता है। जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं उसको या कंप्यूटर इंजीनियर कहते हैं उसको। इसी तरीके से जो ज़ुबानें बनाते हैं नहीं, ये एग्जिस्टिंग ज़ुबान में चेंजेस करते हैं। भाई इंग्लिश की ज़ुबान में भी तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना, ये एक नई ज़ुबान बनानी पड़ जाए, तो वो लिंग्विस्टिक्स वाले करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे उर्दू की ज़ुबान जो है इसमें जो गिनती है ना वो लिंग्विस्टिक के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हैं, कुछ गिनती के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे 79, 89 वगैरह ये सब, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो अगर 20 से मिलता जुलता 21 है ना, कि 1 और 20 को मिला के 21 बनाया है, तो 11 की जगह क्या होना चाहिए था फिर, 10-1 होना चाहिए था, है ना। इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए थी ना, भाई 80 के बाद 81 है, 30 के बाद 31 है, ठीक है, लेकिन 50 के बाद 51 है। 80 के बाद एक जो है 81 है वो, तो 50 के बाद जो एक है उसको 85 होना चाहिए, लेकिन 85-85 है। तो ये लिंग्विस्टिक के रूल से मैच नहीं करता। इंग्लिश में हालांकि आप नोट करें ऐसा नहीं है, 20-21, 30-31, 40-41, 80-81, 50-51, 90-100, हाँ नहीं वो मतलब सीधा है बिल्कुल, नहीं वो तो शुरू के सिंबल है ना, शुरू के नहीं नहीं वो तो शुरू के सिंबल की तो चलो खैर है ना, लेकिन वो एक असल में शुरू के जो सिंबल होते हैं ना उससे लोगों को बड़ा प्यार होता है, तो लोग उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो शुरू शुरू के जो होते हैं, ठीक है, जैसे 1 जो है ना, 1 तो एक ONE होता है, एक 1 होता है, 1 और भी तरीके से लिखा जाता है, पता है आपको, आह भी लिखते हैं 1 के लिए, AH, हाँ अच्छा, सिर्फ ए भी लिखा होता है, ए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ ए का मतलब, वन, दा का मतलब भी वन होता है, एन का मतलब भी वन होता है, तो वन के इतने सारे नाम किए हैं इन्होंने,
अच्छा टू को क्या क्या बोलते हैं? ट्वाइस बोलते हैं, बोथ बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं, बी आई बाय है तो ना अंग्रेजी का नहीं है लेकिन बाय, लेकिन अंग्रेजी में भी बाय यूज़ होता है, ठीक है, तो डुअल है ना, कितने सारे देखो वर्ड हैं टू के लिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना ये कम होता जाएगा, जैसे थ्री को थ्राइस बोलते हैं और ट्राई बोलते हैं, ट्राई लेकिन दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है इंग्लिश में आ गया है, और फोर को क्वार्ट, क्वार्ट दूसरी लैंग्वेज का है, इटसेल्फ इंग्लिश में फोर के लिए और कुछ नहीं है शायद, फाइव सिक्स क्वार्टर, तो एक किसी चीज़ को चार हिस्सा करें तो एक को कहते हैं क्वार्टर, 25% को, वो भी हेटरा, वो बाय वो तो पूरा दूसरा चल रहा है ना, वो ड्यूअल से शुरू होता है फिर वो ट्राई और प्राय और पता नहीं फाइव और क्वार्टर और पेंटा, पेंटा पाँच को कहते हैं ये, ठीक है, हेक्सा वेक्सा और फिर सारा वो चलता है, वो तो दूसरी लैंग्वेज है, वो असल में इंग्लिश में आ गया है वो लैटिन वैटिन से कहीं से ना, लेकिन इटसेल्फ आप देखें। अच्छा तो वो 10 तक जाके ना, वो 11 12 13 तक जाके वो 1918 तक है, उसके बाद बिल्कुल सीधा आ गया, आप फिर उसके बाद मिलियन में ट्रिलियन में गजिलियन में चले जाएं ना, वो बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। उर्दू की कहाँ से याद होगी बेचारे को, कभी भी नहीं होगी। अब वो अगर 1 से 10 तक की गिनती आ गई ना किसी को, या 20 तक की आ गई, जब भी आपने देखा वो 20 तक की गिनती याद कराते हैं बच्चों को, 10 तक नहीं कराते, क्योंकि वो 20 तक में ना चीज़ें डिफरेंट है, उसके बाद सारा सीधा है, टेबल भी 20 तक याद कराते हैं, है ना, उर्दू में 100 तक करानी पड़ती है। तो ये लिंग्विस्टिक जो है ना, ये एक जुबान, इसको कहते हैं माहिर लिसानियात, ये जुबान नई जुबान बनाते हैं और एग्जिस्टिंग जुबान में अगर कोई चेंजेस करनी होती तो वो ये लिख करता है। तो ये लिंग्विस्टिक का फ़िलासफ़र था कि भाई बोलने, बात बात करने की ये फील्ड है कि बात कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा इस इन मामलों को देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी और प्लानट से कोई बंदा आ गया ना इधर, अब ज़ाहिर है वो हमारी ज़ुबान थोड़ी बोलता होगा, तो उसको फिर लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर के आगे बिठाते हैं, कहते हैं यार ये समझो क्या बोल रहे हैं, इसको समझ के बताओ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ना वो लिंग्विस्टिक के सारे बच्चों को पकड़ा देते हैं। इसी तरह ये जो आपका सुमेरियन जो सारे निकले हैं टेक्स्ट पुराने, ये सारे लिंग्विस्टिक के बंदे हैं, वो इसको रिजॉल्व करते हैं कि अच्छा यार, क्योंकि ज़ुबान एक तरह की थोड़ी होती है, वो तो हमारी है ना सिर्फ ज़ुबान, जो हमें आती है, हम तो फर बोलते हैं, लेकिन सुमेरियन में जो ज़ुबान बोलते थे और जो उन्होंने लिखी है, बहुत सारी ज़ुबान ऐसी है जो जिनका पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है, लोगों ने वो लिंग्विस्टिक वालों ने उसको क्रैक किया हुआ है, और वो भी उनको भी लगता है कि 80% तक सही हमने किया है, बाकी 20 का वो भी शोर नहीं है। बहुत सारी लैंग्वेजेज ऐसी हैं जो एंशंट अफ्रीकन लैंग्वेजेज हैं, वो बंदे तो ख़त्म हो गए वो सारे, उनके टैक्स वगैरह मिला है, वो टैक्स का क्या मतलब है ना, आपको अगर फ्रेंच का टैक्स पकड़ा दिया जाए, अब उसका क्या मतलब है आपको थोड़ी पता चलेगा, तो वो लिंग्विस्टिक की फील्ड है ये सारी, कि कोई भी नई लैंग्वेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसको समझ लें, उसका मतलब क्या है, ज़ाहिर है उस पर भी कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ तो होगा ना, एक सर्टन टाइम तक अगर आप अंग्रेज़ी भी अगर किसी को अगर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ये चाइनीज़ है जैसे, अब चाइनीज़ को भी एक सर्टन टाइम तक आप देखते रहे ना डिफरेंट, कुछ जहाँ पे पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि भाई पिक्चर में बंदा है तो इसमें ये सिंबल यहाँ पे आ रहा है, फिर किसी और जगह पे भी बच्चा बना हुआ है तो वहीं पे वही सिंबल आ रहा है, तो उसका मतलब है कि इस वर्ड का मतलब बच्चा या बड़ा आदमी होता है, वो इस तरह करके ना वो क्रैक कर लेते हैं पूरा, समझ रहे हो बात, तो ये पूरी फील्ड है इनकी। तो ये लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे भाई पॉल ग्रीस, इन्होंने डिस्कस किया था कि भाई द अजम्पशन वी ब्रिंग टू कन्वर्सेशन दैट अलाउ देम टू फ्लो विदाउट मच ट्रबल, ही आउटलाइंड हिज प्रिंसिपल एज इन्वॉल्विंग द 4 मैक्सिम ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी रिलेशन एंड मैनर। कह रहे कि ये उन्होंने पूरी ज़िंदगी का अपना लुब्बे लबाब ये बताया कि भाई ये 4 चीज़ें अगर आपका हो ना आपके गुफ्तगू के अंदर, तो आपकी गुफ्तगू ना विदाउट एनी इंटरप्शन लोग सुनते हैं और आप बोलते हैं। अच्छा क्वालिटी क्या है, से इनफ बट नॉट टू मच, कह रहे क्वांटिटी ना इनफ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को समझ में आ गया, किसी ने पूछा कि यार पानी चाहिए, ठीक है, तो सामने से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि यार पानी ठंडा या गर्म, अच्छा मैं बोल दूँगा ठंडा, दैट्स इट। अब अगर वो सामने से कोई और बात भी पूछ ले तो मैं वो भी बता दूंगा उसको, लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू दैट आप इमेजिन करें कि मैं उसको बोलूँ कि यार पानी ला दो, ठंडा लाना और शीशे के गिलास में लाना, गिलास धो के लाना, अननेसेसरी था ये, मैं शुरू में ही सब बातें बताने की कोशिश करूँ, या वो सामने से पूछ ले कि एक ही साथ तो 4 सवाल पूछ ले कि यार पानी ठंडा लाऊं, किस चीज़ में लाऊं, और गिलास धो के लाऊं या वैसे ही लाऊं, और कहेंगे यार पानी लाओ पीने के लिए बस,
ना चीज़ें इम्प्लिसिट हो रही होती हैं। शायद ये इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं दी मैंने, कोई मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। हाँ, तो वो जो जितनी बात पूछी गई है ना, जैसे अभी वेदर हमने पूछा था सीरी से, तो जब आपने नोट पता नहीं किया है नहीं किया, जब मैंने टेम्परेचर पूछा ना उसने सिर्फ टेम्परेचर बताया, लेकिन जब मैंने बोला वेदर तो उसने ये भी बताया कि क्लाउडी है। अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर पूछ रहा हूँ ना, मैंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया, तो उसका मतलब टेम्परेचर से चाहिए मुझे। अब ये नहीं कि पूरे, अब वेदर में तो इतनी सारी बातें हैं कि वो 15 सेकंड तक बोलती रहेगी, फिर 15 सेकंड लग जाएंगे उसको पूरा बताने में कि भाई विंड की डायरेक्शन क्या होती है, रेन की क्या चांसेस हैं, ठीक है, तो आज का मैक्सिमम क्या था, आज का मिनिमम क्या था, फिर ह्यूमिडिटी क्या है, वो तो इतनी सारी चीज़ें वेदर में तो सब थोड़ी मुझे जाननी है। तो मैंने बोला कि व्हाट्स द टेम्परेचर, इसको दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हे सीरी व्हाट्स द वेदर, It's currently cloudy and 24 degrees. Today's high will be 32 and the low will be 21 degrees. अच्छा, ये मैंने उससे पूछा है वेदर, है ना? Hey Siri. What's the temperature of Karachi? It's currently 24 degrees near White Rose Guest House, Karachi. सही है, इसने बस ये बताया टेम्परेचर जो बताया, और बाकी चीज़ें नहीं बताई। अच्छा, इसने कुछ और भी बता दिया कि नियर वाइट रोज गैस पता नहीं क्या, ये मेरा एड्रेस शायद डिटेक्ट कर रहा है, तो वो इसको समझ नहीं आया। तो कराची के अंदर कोई लोकेशन वाइट रेस्ट पता नहीं क्या बता रही होगा, यहाँ पे कोई आसपास मशहूर जगह, मुझे नहीं पता। तो उतनी बात बताइए जितनी पूछी गई है, या जितनी बताना ज़रूरी है ना। वेदर में तो और भी चीज़ें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है टेम्परेचर बताओ मुझे। अब क्वालिटी, से द ट्रूथ। अच्छा, ये वाली जो क्वालिटी है ना, वो चैट जीपीटी में अभी तक नहीं है, सही है। जस्ट ऐसी एक चैट जीपीटी में ये वाली क्वालिटी अभी तक नहीं आई है, सही है। कुछ फैक्ट एंड फिगर में वो गलत बताता है, बिल्कुल गलत बताता है, वो पुराना डेटा। उसके अलावा वो क्योंकि टोकन करता है ना, तो इसके आगे क्या आना चाहिए वो है। तो वो जब आईफोन 6 आया था, तो उसके साथ भी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि लेटेस्ट आईफोन 6 है ना। अच्छा, और जब आईफोन 11 आया तो उसमें भी वो लिखा हुआ था लेटेस्ट। तो कभी उससे पूछो ना लेटेस्ट, तो कभी वो बोलता है कि आईफोन 8 लेटेस्ट है, कभी वो बोलता है आईफोन 11 लेटेस्ट है, ये करके देखना। फैक्ट एंड फिगर में बिल्कुल सही नहीं है, वो गड़बड़ है उसके अंदर, क्योंकि वो लेटेस्ट सबके साथ लिखा हुआ है ना आर्टिकल्स में, इतने जो क्योंकि आर्टिकल वो स्ट्रिंग की बात है कि वो उसी को घुमा घुमा के रीअरेंज करके ला रहा है, तो रीअरेंज में कभी वो आईफोन 6 भी आ जाता है उसमें। फिर आप पूछेंगे ना कि यार आपका ये जो आपका लेटेस्ट फ़ोन है उसकी प्राइस क्या है, तो वो प्राइस में भी ना कभी 1300 बोलता है, कभी 1000 बोलता है, कभी बोलता है यार 850, क्योंकि जाहिर है वो आईफोन वाले क्या करते हैं, थोड़े दिन में रेट चेंज कर देते हैं। जो 1300 का फ़ोन है वो थोड़े दिन में 1000 का कर देते हैं, यानी साल बाद, ठीक है। जो लैपटॉप 1300 का था वो थोड़े दिन साल बाद 1000 का कर देते हैं, जब अगला मॉडल आ जाता है। तो वो उसमें भी उसको पता नहीं, तो फैक्ट एंड फिगर तो उसको आते ही नहीं है ना, तो ये से द ट्रूथ वाला उसमें मैनर नहीं है। अच्छा, से द ट्रूथ का चक्कर क्या है, अभी आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि भाई सही बात बतानी है, गलत नहीं होनी चाहिए वो। अच्छा, रिलेशन, से समथिंग रेलिवेंट टू द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन से रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलीवेंट बात नहीं। मतलब मैंने टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर वेदर से मुतालिक चीज़ है, तो वो ट्रैफिक भी बता दे मुझे साथ में, हो सकता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इस मैक्सिम के ख़िलाफ़ है ये। अच्छा, मैनर, से इट क्लियरली, कह रहे हैं कि एक मैनर होता है हर जगह का, वो भी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पर ना देखो, मैं कितनी ज़ोर से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट में किसी से 1-to-1 बैठ के बात कर रहा हूँ, तो इतनी ज़ोर से बात नहीं कर सकता हूँ, इनअप्रोप्रिएट है, मैनर के ख़िलाफ़ है। या अगर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, तो भी इतना शायद इस तरह से, उसका टोन अलग होगा, उसका लहजा अलग होगा, उसकी एक अलग बात होगी कि कैसे फ़ोन पे बात किया जाता है, एक तमीज़ है उसकी, मैनर है उसका, एक है ना, डॉक्टर से कैसे बात करनी है। या मैं किसी जगह रेस्टोरेंट में अगर गया हूँ, या कहीं पर, मतलब वो जैसे वो टेक अवे वाला होता है ना, कि जाके वो खिड़की सी होती है छोटी सी, वहाँ से जाके आप बर्गर ख़रीद लेते हैं, और वहाँ पे जाके अगर मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूँ, या मैं फार्मेसी में कोई दवा लेने गया हूँ, तो बात करने का जो मैनर है ना, वो अलग अलग होगा, सही है। वहाँ पे मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि यार, मतलब सलाम वलाम दुआ इतना ज़्यादा शायद ना करूँ मैं फार्मेसी में, क्योंकि फार्मेसी में और भी लोग खड़े होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बिल्कुल अकेला हो शायद, तो मैं कर भी लूँ सलाम दुआ। तो मैं बस जैसे ही सामने मेरी बारी आएगी, तो मैं उसको सीधा पर्ची आया करूँगा, मैंने कहा यार ये दे दो, 2 दिन की दे दो, या चार टैबलेट दे दो, जो भी मैं चाहिए होगी मुझे, मैं वो बोलूँगा, वो देखेगा पर्ची, जाएगा निकाल के लाएगा बस। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये पूछ लूँगा यार कितने का, ये बता देना ज़रा, ठीक है। और एक लहजा भी मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि जस्ट उसको आवाज़ आ जाए,
एक फ्रेंडली तरीके से मेडिसिन लेके शायद उसको थैंक यू वैंक यू कर दूँ, मैं पैसे वैसे दे दूँ, चला जाऊँ, दैट्स इट, समझ रहे हो। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बैठा हूँ पठान के होटल पर अलग ओवर आवड़ा का ना सही है, और उसको अभी तो मैं उतनी ज़ोर से बोल नहीं सकता जितनी ज़ोर से वहाँ आवाज़ लगानी पड़ती है ना, इतनी ज़ोर बोलूँगा तो बाहर से आ जाएगा क्योंकि यार यहाँ क्या हो रहा है ठीक है। तो फिर वो पानी लेकर आएगा, फिर पानी लाने के बाद फिर वो हाइव हो जाएगा, फिर ऐसी ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी कि यार चाय लेकर आओ या जो भी स्नैक्स लेकर आओ, तो उसको ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अच्छा चाय की दुकान पर फिर लोग चीख चीख के हाथ से हाँ हाँ चल रहा होता है, अलग ही माहौल चल रहा होता है ठीक है। मतलब बाहर वाले बंदे जो हैं वो बार बार से उसको करेंगे, बार में भी ऐसे ही होते हैं पी वी के ना बंदे टल्ली हुए हुए होते हैं और वो चीख फुल चीख चिल्ला मचा हुआ होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ वो चाय के होटल पे वो सेम माहौल आपको मिल जाता है सही है, बंदे ऐसे ही हाँ सेम चीज़ है बिल्कुल। यहाँ पे वो संगत वाले बंदे आए हुए होते हैं, वो संगत उनकी होती है 20-25 लोगों की सम टाइम भाई सही है। यहाँ पे है संगत वाला कोई, संगत वाले हैदराबादियों को कहते हैं, हैदराबाद वाला कौन है यहाँ, कोई भी नहीं है। अच्छा हैं पंजाब वाले भी बोलते हैं, अच्छा नहीं पंजाब वाले बेली कहते हैं, कहले बेली है, कौन आया तो बेली आया। मेरे दोस्त बहुत सारे पंजाबी भी हैं और सिंध में ज़्यादा बोलते हैं संगत, जो हैदराबाद सिंधी ज़्यादा है वहाँ, तो वहाँ कहते हैं संगत को फ़ोन लगा हुआ है अच्छा जी। तो भाई हर जगह का एक मैनर होता है, तो ये अब क्वांटिटी पे कुछ इन्होंने बात की है, वो ज़रा दो चार लाइनें पढ़ लेते हैं, बाकी तो आप खुद ही पढ़ेंगे उसको। तो द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी एज्यूम्स दैट अ गुड कन्वर्जेशन पार्टनर विल से इनफ इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट अ टर्न। कंप्लीट अ टर्न का मतलब है कि क्योंकि टर्न बाई टर्न बात हो रही है ना, टर्न बाई टर्न बात हो रही है, एक दफ़ा वो बोलेगा एक दफ़ा मैं बोलूँगा, ये एग्जैक्टली वो वाली बात हो रही है कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मेरा दोस्त साथ है और हम दोनों बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि वो इनफ, या मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल की है और टर्न बाई टर्न बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि भाई एक अच्छा कन्वर्जेशन पार्टनर ना सिर्फ इतनी इतनी बात करेगा कि अपना टर्न कंप्लीट कर ले, इससे ज़्यादा नहीं बात करेगा। ये नहीं कि अगर मैंने एक मिनट मैंने बात की है तो अब वो 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक चुप ही ना हो ठीक है। तो एक सर्टन कोई सेट होगा आपस में म्यूचुअली कि वो थोड़ी देर वो बात करेगा, अब थोड़ी देर ये ठीक है। अगर तो एक बंदा बोले ही जा रहा है और दूसरे को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा, तो ये इस मैक्सिम के ख़िलाफ़ हो जाएगा ठीक है। फिर वो क्वांटिटी में वो भी है कि अब ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोले, विद नो लेस और नो मोर। इमेजिन आस्किंग योर फ्रेंड हाउ डिड द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन टू योर बॉस गो, अ रिप्लाई दैट ब्रोक डाउन एवरी मिनट प्रेजेंटेशन, दिस इज मच इन्फॉर्मेशन। अच्छा कह रहे हैं कि उसने एक्चुअल बात का जवाब दिया, एंड देन द HDMI केबल वुडेंट वर्क, आई हैड टू डू दिस। पूरी कहानी उसने अगर बता दी सामने कि भाई प्रेजेंटेशन तो बस गया मैं देने तो फिर HDMI केबल निकल गई, फिर कंप्यूटर बंद हो गया, फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया, मतलब बहुत लंबी अगर बात कर दी तो। ऑन द हार्ट इफ रिप्लाई आई वेंट इजेंट इनफ, कह रहे कि अगर तो लंबी बात कर दे तो भी इनफ नहीं है, अगर ये बोल दे कि हाँ मैं दे दी प्रेजेंटेशन तो ये भी इनफ नहीं है। उसने पूछा कि कैसी गई, अच्छी गई बुरी गई, तो हाँ यू एज्यूम यू आर फॉलोइंग द मैक्सिम्स। ये वाला इसने अप्रोप्रिएट लिख दिया कि इट वेंट वेल आई थिंक, मुझे लगता है कि ठीक ही गई है। एड्रेस द क्वेश्चन एट हैंड विदाउट गोइंग ओवर बोर्ड, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों लोग फॉलो कर रहे हैं मैक्सिम ये वाला ठीक है, आप भी फॉलो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो इतना आंसर सही होगा कि हाँ भाई मैं गया था और सही हो गया हूँ। यार फैन आपको ना इस तरफ करना पड़ेगा इसकी तरफ, ये जो फ्रंट में बैठा हुआ है ना इसकी तरफ करना पड़ेगा, इसका मुंह सीधा करके। हाँ भाई बेटर, सही है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, उबैद प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, प्रॉब्लम है तो बताओ। असल में ये वाले फ़ैन मैंने इसलिए नहीं ऑन किए, ऊपर वाले शोर बहुत होता है, और वो एक एसी है ना, तो आपके पास तो एसी से आ रही है शायद, एसी ऐसे आ रही है वो आपके पास, नहीं आ रही तुम्हारे पास आ रही है,
तुम्हारे पास आ रही है एसी से हवा, इसके पास नहीं आ रही। हाँ नहीं, वो चल तो रहा है बस थोड़ा ऐसे ही नरम गरम चल रहा है। वेल अच्छा तो क्या बात हो रही थी भाई? अच्छा तो द मैक्सिम शो क्लियर डिफरेंस क्रिएटिंग अ जी यू आई एंड वी यू आई इवन ऑन द मोबाइल डिस्प्ले। अ जी यू आई कैन कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टास्क एट द हैंड सच एज एडवर्टाइजमेंट, सोशल शेयरिंग बटन, मेन्यू ऑप्शन और सम ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन। कह रहे ये वही वाली बात है जो अभी हमने सिरीप से के एक्सपेरिमेंट की कि अगर मैं उससे वेदर पूछता हूँ तो बोलने में तो उसने जस्ट मुझे वेदर कि वो इंपॉर्टेंट डिटेल बताइए, लेकिन जो कार्ड मुझे दिख रहा है उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो कह रहा है कि जी यू आई में भी ना ये डिफरेंस हो सकता है कि वॉइस में इंटरफेस, क्योंकि चैट में जाहिर है जी यू आई होगा, जो चैट हो रही है उसमें जी यू आई होगा। एक तो बिल्कुल टेक्स्ट वाला SMS वाला, अभी ये वो वाले की बात नहीं कर रहा, अभी ये कह रहा है कि स्क्रीन पर लिख के बात हो रही है और एक बोल की आवाज़ आ रही है। तो कह रहा है कि ये जी यू आई के अंदर क्या होगा कि शेयर का बटन भी हो सकता है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो मैंने पूछी नहीं थी लेकिन वो सही है, साइड पर आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, करंट टाइम वाइम आ रहा है कोई, सही है ये लास्ट, जैसे अगर मैंने टेम्परेचर पूछा तो हाई और लो भी आ रहा है कि आज का हाई और लो क्या था, तो इस तरह की कोई बात हो सकती है, ठीक है। अ जी यू आई एग्जिस्ट इन टू डायमेंशंस, विड्थ एंड हाइट, दैट कंबाइंस टू क्रिएट द एरिया वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन लिव्स। द एरिया इज नियरली ऑलवेज लार्जर देन द स्पेस नेसेसिटी फॉर द यूजर रिक्वेस्ट। कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो डिस्प्ले होता है आपका ना वो टू एक्सेस डिस्प्ले होता है, एक्स और वाई, ठीक है, लंबा और चौड़ा डिस्प्ले होता है, चकोर होगा, है ना, ग्लोइंग रेक्टेंगल जिसको भी कहते हैं प्यार से। तो कह रहे हैं कि उसमें ना हमेशा जगह एक्स्ट्रा होती है, जितने पे आपको टेक्स्ट दिखा रहे हैं ना उससे ज़्यादा जगह होती है। जैसे देखो ये बुक है खुली हुई, अब यहाँ पे साइड में ये मेन्यू पूरा दिख रहा है, एक्स्ट्रा जगह मौजूद है हमारे पास। कह रहे हैं हमेशा उसमें एक्स्ट्रा जगह होती है। इन दिस एक्स्ट्रा स्पेस द डिज़ाइनर कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एडजेसेंट टू द कोर रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि जो डिज़ाइनर है, जो भी हमारे केस में हम डिज़ाइनर हैं वी यू आई के या चैट बॉट के, तो वो डिज़ाइनर या अगर वो अलग से है तो वो क्या करेगा, या वेब एप्लीकेशन के केस में उस एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ अलग चीज़ें दिखा सकता है। एडिशनली एक्सपेक्टिंग यू आई फ्लोरिश, अभी उसने आगे बहुत लंबी बात हो रही है, अभी हम इसको इतना ही कवर करते हैं। वी यू आई कंट्रास्ट एग्जिस्ट इन अ सिंगल डायमेंशन टाइम। कह रहे हैं कि वी यू आई जो है ना वो सिंगल डायमेंशन है, उसमें एक ही स्पीकर है, वहीं से आवाज़ आती है, दैट्स इट, एक्स्ट्रा स्पेस विस्पेस का कोई सीन नहीं है। देयर इज नो लोकेशन वेयर अ डेवलपर कैन स्टोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी नेसेसरी। द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द लिसनर इंस्टेड ऑफ द रिस्पॉन्स नीड टू बी प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट लिसनर। कह रहे हैं कि आवाज़ तो आवाज़ ही है ना, अब आप उसको धीमी करके चलाओ, तेज़ करके चलाओ, एक ही स्पीकर है और एक ही दफ़ा में लिसन करेगा वो, तो कह रहे हैं कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है उसके अंदर। तो आपको राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी है और फॉर द करंट लिसनर, वो करंट लिसनर के लिए होनी चाहिए, ये भी नहीं कि कोई मतलब किसी और के लिए नहीं हो सकता, वो करंट लिसनर के लिए होगा। बच्चा यहाँ पे क्लास हो रही है, अभी यहाँ पे शोर नहीं करना, बैठना है तो बैठ सकते हो, शोर नहीं करना। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं क्वांटिटी पे, क्वालिटी, यस क्वांटिटी तो ऊपर हमने निपटा लिया। द मैक्सिम क्वालिटी सेज द स्पीकर शुड अवॉइड सेइंग एनीथिंग दैट दे नो टू बी फॉल्स। कह रहा है क्वालिटी ना ट्रूथ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए टोटली, फॉल्स नहीं होना चाहिए। एनीथिंग यू विश डोंट हैव अ प्रॉपर बैकिंग, दीज वर्क इन कॉन्क्रीट टू प्रिवेंट आउटलाइंड लाइज वेल एज द ओमिशन ऑफ दिन। बहुत मुश्किल अंग्रेजी कर दी है इसने बुक में पेज। हाँ फैक्ट एंड फिगर्स ना, वो कह रहा है कि भाई अब सही होने चाहिए। आई थिंक टॉम इज 35, ठीक है, फॉलो द मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, इवन टॉम इज 52, सही है, क्योंकि आई थिंक लगा दिया ना इसने, तो द स्पीकर थिंक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड इट इजंट थिंकिंग दैट द फोकस दैट स्टेटमेंट इन अ पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन द बेनिफिट ऑफ द मैक्सिम आर ऑब्वियस, नो वन वॉन्ट टू कॉन्टेंडेड विद फैबिलिश। अच्छा ये मेरे बात थोड़ी समझ में नहीं आई, शायद दोबारा पढ़नी पड़ेगी हमें। दैट्स वाई वी एक्सपेक्ट आवर कन्वर्जेशन पार्टनर टू बी ह्यूज, अच्छा टू बी हज विद देयर स्टेटमेंट, डोंट नो समथिंग श्योर, ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहे हैं वन टू वन में भी हम यही करते हैं ना कि अगर कोई बात
पक्का पक्का पता नहीं होती, तो हम कहते हैं यार आई थिंक ऐसा है, तो कह रहे हैं कि वही हमने यहाँ भी करना है। अच्छा, यू माइट हैव अ डिफिकल्ट टाइम इमेजिनिंग हाउ मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी प्लेज इनटू यूज़र इंटरफेस। कह रहे हैं कि अब ये यूज़र इंटरफेस के अंदर ये वाला मैक्सिमम कैसे जाएगा, बिकॉज द यूज़र इंटरफेस डोंट हैव एजेंसी, दे कांट लाई, बट इंटरफेस लाई रेगुलरली इन जी यू आई। दिस लाई हैपन्स वेन अ लिंक पॉइंट टू एन इनकरेक्ट यू आर एल। कह रहे हैं कि ये जी यू आई में कैसे होगा ये तो अभी सही श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी उसमें भी अगर उसमें हुआ तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि भाई यू आर एल में लिखा हुआ कुछ और है, क्लिक करने से कुछ और हो जाता है, जैसे लिखा हुआ डाउनलोड लेकिन क्लिक करने तो ऐड खुल जाता है, ठीक है, गुस्सा आता है ना उसमें। कह रहे हैं कि वो एक लाई है उसके केस में, अब उसमें आई थिंक भी नहीं लग सकता। और विथ द डार्क पैटर्न दैट ट्रिक यूजर, ठीक है, अ वेबसाइट लाई टू यूजर व्हेन इट इम्प्लाइज एज इट्स ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट एंड पुट्स अ डिस्क्लेमर स्टेटिंग अदरवाइज इन फाइन प्रिंट। ठीक है, मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि यार ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और लेकिन साइट में कहीं पे लिखा हुआ है कि यार ये ऑफिशियल साइट तो है लेकिन गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती, इस पर लिखी भी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है उसका। तो कह रहे हैं इस तरह की अगर कोई बात किसी ने झूठी वेबसाइट बनाई हुई तो वो टोटली फिर लाए हो सकता है। दैट विल सर्टनली डार्क पैटर्न दिस कह रहे हैं ये डार्क पैटर्न वॉइस एप्लीकेशन में भी है। नो वन हु इज नॉट अप स्टैंडिंग एज टू रीड दिस बुक वुड नोइंगली इम्प्लीमेंट देम, बट योर स्किल्स माइट स्टिल ब्रेक द मैक्सिम इफ इम्प्लाय द सेम फंक्शनैलिटी, इज इट पॉसिबल टू डजंट सपोर्टेड। बहुत इसने मुश्किल लंबी चौड़ी बात कर दी है, बहुत इसने कोई मुश्किल बात कर दी है, तो इसको आप आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मेन तो हमें पता चल गया है कि क्वालिटी की क्या बात हो रही है, ठीक है, बाकी इसको आप चैट जीपीटी से समराइज करवा के ना ये अच्छे से फिर वो आप पढ़ लीजिए। नहीं देखो, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना यार, ये तो चैट जीपीटी कभी भी नहीं कर सकता ना यार, ये तो अथॉरिटी हम ही है ना कि क्वालिटी कैसी है इस जुमले की, है ना, क्वांटिटी कितनी है इस जुमले की, ये तो हम ही अथॉरिटी है ना यार। अब चैट जीपीटी को तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे ये चीज़ वन लाइन में लिख के बताओ, वन लाइन में बता देगा, तीन में बोलूँगा तीन, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि अप्रोप्रिएट अमाउंट क्या है। अच्छा मैं उससे पूछूँगा ना अप्रोप्रिएट अमाउंट क्या है, वो भी बता देगा, लेकिन आंसर उतने अमाउंट का चाहिए ना मुझे, तो फोर मतलब वो हम डिसाइड करेंगे ना ऑब्वियसली। तो ये डिज़ाइन वाला जो एस्पेक्ट है ना वो तो हमारा है ना यार, क्योंकि उसमें तो इंटेलेक्चुअल रुक गया ना, इंटेलेक्चुअल इसलिए रुक गया जो पहले हो चुका है उसी को घुमा घुमा के लाएगा, इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल तो अल्टीमेटली हमारा ही काम है ना। तो डिज़ाइनर जो होगा ना वो तो जाहिर है, अच्छा कुछ एक वेबसाइट वो भी है कि उसमें लिखो ना वो पूरा पूरा डिज़ाइन भी बना के दे देता है, टेम्पलेट्स जो होते हैं ना टेम्पलेट्स के, अच्छा यार ये ऐसा सर्च बार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पूरी मोबाइल ऐप बना के दे देगा वो, लेकिन मसला ये वो डिज़ाइन लाएगा कहाँ से। मैं बोलूँगा अच्छा बैकग्राउंड जो है ना वो डार्क थीम में बना दो, लॉगिन का पेज, वो लॉगिन का पेज तो बना दिया उसने, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये स्क्वायर है ना ये गोल होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा तो वो गोल तो कर देगा, सही है, मैं चाह रहा हूँ ये बटन है थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए, वो तो कर देगा, लेकिन चौड़ा तो उसको मुझे ही बोलना पड़ेगा ना करने के लिए, अब हम बता रहे हैं ना, नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, गौर से समझोगे ना तो समझ आएगा कि एक सर्टन मोबाइल ऐप में लॉगिन का बटन कितना बड़ा होना चाहिए डिज़ाइन परस्पेक्टिव से, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के अंदर जो सेंड का बटन है और जो मैसेज टाइप करने का जो बॉक्स है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, वो तो कंप्यूटर तो बना के तो दे देगा, लेकिन जो हम बोलेंगे वो बना के देगा, तो डिसाइड कौन करेगा वो हम करेंगे। कुछ मैसेजिंग एप्लीकेशन में आपने देखा होगा लिखने की जगह बड़ी होती है, कुछ में छोटी होती है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है वो कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, किस एनवायरनमेंट में उसको यूज़र यूज़ करेगा, अगर तो उसको धूप में चला रहा है तो उसका कलर ब्राइट होना चाहिए, समझ रहे हो, तो अब वो कहाँ पे चला रहा है, किस सिचुएशन में चला रहा है, फिर कौन सा जेंडर मेरा मेन टारगेट है, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे पता होनी चाहिए ना यार, ये तो मेरा इंटेलेक्चुअल होगा। हाँ फिर मैं वंस उसको पता चल जाए मुझे कि अच्छा यार ये चीज़ है, तो फिर मैं बोलूँगा उसको कि यार फला कलर पैलेट में बना दो इसको, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे स्क्रीन का जो गोल्डन एरिया होता है ना, अगर मोबाइल स्क्रीन में ये पकड़ा हुआ है फ़ोन मैंने, अब ये थंब मेरा जितनी दूर तक जा रहा है ये गोल्डन एरिया है, ये थंब मेरा जहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे एक निशान बन जाएगा पूरा, अगर ज़ोर से ऐसा करोगे ना देखो एक निशान बन गया स्क्रीन के ऊपर। तो इतने हिस्से के अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ऐप के परस्पेक्टिव से, जो भी ऐप मैं जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप देखो इसी के अंदर होता है सब। अगर मैं आपको व्हाट्सएप दूर से खोल के दिखाऊँ, खुल गया सिम सिम सर, आपने जो लेट पे करवाया था क्या नाम है उसका, क्या हम पूरी थीम एकदम। अब देखो इसके अंदर ना ये मेरा धम जहाँ तक जा रहा है ना, सारे फीचर ना उसी के अंदर अंदर है, लेकिन वो बटन सारा नीचे है इसके। एंड्रॉयड में शायद ऊपर होता है, लेकिन एंड्रॉयड में ना ऐसे करने से वो चेंज हो जाता है, इसमें ऐसे करने से ये आता है। तो वो होता उसमें भी इधर रहते रहते ही काम होता है ना। अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर मुझे नीचे से चेंज करना होता है, जैसे मैं कॉल पे नीचे से जाऊँगा, यहाँ से नीचे सेटिंग से नीचे से जाऊँगा, तो मेरा हाथ के अंदर अंदर रहते ही सारे काम हो जाते हैं। तो अब ये बटन क्या यहाँ होना चाहिए, मतलब कौन सा बटन इस एरिया में होना चाहिए, कौन सा बटन टॉप पे होना चाहिए। देखो अब ये QR कोड के स्कैन का जो बटन है ना, ये टॉप पे है इसकी WhatsApp की सेटिंग के अंदर, जब मैं जाता हूँ तो QR कोड के स्कैन का बटन टॉप पे है बिल्कुल, वो मेरे थंब के उससे बाहर है। अच्छा क्यों बाहर है, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता, कभी कभी होता है वो यूज़ है ना। और जब मैं यूज़ होगा वो, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे सामने कोई बंदा खड़ा होगा, मैं बाइक चलाते हुए तो नहीं स्कैन करूँगा ना, मतलब ऑब्वियस बात है ना, मैं खड़ा होऊंगा कहीं सामने होऊंगा तो मेरा दूसरा हाथ फ्री होगा उस टाइम। तो ये तो डिज़ाइनर चीज़ है, ये डिज़ाइनर के सोचने की चीज़ है, ये डिज़ाइनर के डिसीजन लेने की चीज़ है। तो ये डिसीजन तो AI नहीं लेगा ना आपके बिहाफ पे। अच्छा आप ये बताएंगे ना उसको कि यार QR कोड स्कैन करने का बटन है वो कहाँ होना चाहिए, तो वो शायद वो ये बता दे, लेकिन वो ऐप बनाते वक्त उसको फिर ये पूरा बताना पड़ेगा फिर। लेकिन ये पूरा बताने के लिए पता भी तो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात नहीं सोची होगी यार वो वहाँ क्यों है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये सोची ना हो बात, ठीक है। तो जिसको ये बात नहीं पता ना कि वो वहाँ क्यों है, वो जब बनाएगा ना AI के ज़रिए भी अगर वो बनाता है ऐप, तो वो फिर वहाँ नहीं रखेगा, फिर वो जहाँ AI ने रख दिया रैंडमली वहीं होगा फिर वो। अच्छा अब इसके QR का नेचर अलग है, और स्नैपचैट में जो QR होता है उसका नेचर अलग होता है, सही है। जो कैमरे के अंदर QR होता है उसका नेचर अलग होता है, कैमरे के अंदर मेन कैमरे पे आप यूँ सामने करते हैं QR कोड चलता है डायरेक्ट, उसका नेचर अलग है। तो हर ऐप में QR के स्कैन का भी नेचर अलग है। क्या पता जैसे इजी पैसा है, इजी पैसा में QR का बटन सबसे टॉप पे, अगर मैं इजी पैसा आपको खोल के दिखा पाऊँ, क्योंकि उसमें पेमेंट होती है QR से। अब पेमेंट करने के लिए खड़ा हो, मेरे हाथ में शायद एक शॉपर हो, एक हाथ से मैंने फ़ोन निकाला है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें ना, ये सेंटर में देखो बटन बना हुआ है, गोल्डन एरिया में इन्होंने QR का स्कैन रखा है, मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये। मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ नहीं किया, एक आध बार किया होगा, लेकिन इनका टारगेट ये है कि भाई ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, ठीक है। मतलब वो QR कोड आपने जगह जगह देखा होगा, दुकानों में लगा होता है, हमारे यहाँ भी ये थोड़ा अभी यूज़ टू नहीं हुई है आवाम इससे, मैं भी यूज़ टू नहीं हुआ। इसी तरह PayPal वगैरह में या PayTM में जो भी इस तरह की ऐप्स हैं, कैश ऐप है, उसके अंदर ये बिल्कुल सामने होता है, ऐसी जगह पर होता है ऐप खुलते ही पहली स्क्रीन पर गोल्डन एरिया के अंदर, ताकि थंब फौरन वहाँ पे पहुँचे। और ऐसी जगह पे रखते हैं कि इस हाथ से पकड़ो लेफ्ट से कि राइट से, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा होता है कि लेफ्ट हाथ उस पर पहुँच जाता है लेकिन राइट नहीं पहुँचता, और कुछ ऐसा होता है कॉमन होता है दोनों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इधर से पकड़ो फ़ोन को या इधर से पकड़ो, थंब आपका एक सर्टेन जगह होती है वहाँ पहुँच रहा होता है। तो आप अगर इसके QR कोड को देखेंगे ना, तो वो ऐसी जगह पे कि दोनों थंब हाथ से थंब वहाँ पहुँच जाता है, देखो उस तरफ से भी करूँगा तो इतना तो आएगा। तो ये तो डिज़ाइनर चीज़ है ये वाली, इस तरह की तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन द फर्स्ट प्लेस होना क्या चाहिए। तो ये वाली बात यहाँ पे आ गई कि भाई ये जो है ना, ये वाला जो डिज़ाइन है ये हम ही करेंगे हमेशा, होपफुली। अभी तक तो हम ही कर रहे हैं, अगले 4-5 साल भी हम ही करेंगे, उसके बाद शायद उसका पता नहीं है। अच्छा द मैक्सिमम ऑफ रिलेशन रिक्वायर, अब ये रिलेशन की बात हो रही है और इसके बाद लास्ट हमारा जो है वो द मैक्सिमम रिलेशन रिक्वायर एनी रिस्पॉन्स टू बी रेलिवेंट। वट केम बिफोर इट हैविंग अ कन्वर्जेशन विद पार्टनर विल कंटिन्यूली चेंज द टॉपिक इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वी नॉर्मली अज्यूम दैट द कन्वर्जेशन बैक एंड फोर्थ वॉले बिल्ड अपॉन ईच प्रीवियस पॉइंट, वेन दे डोंट वी फील अनहर्ड और अनवेलकम्ड। अब ये बात कर रहे हैं कि यार अभी जैसे बात हो रही है ना, जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं, अब वो इलेक्शन की बात हो रही है कि हाँ यार वो
वोट देने गए थे तुम। अब ये इसमें इलेक्शन का जिक्र भी नहीं हुआ लेकिन इलेक्शन मौजूद है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अभी तो हम वो वाली बात नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं जिसका जिक्र हो गया ना वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अब ये मैंने बोला वोट देने गए थे और ये वो, फिर सामने से बोलेगा यार फला पार्टी है ना उसने वो लग रहा है जीत जाएगी, तो अब ये जीत जाएगी मतलब है इलेक्शन जीत जाएगी। अब सामने हाँ कॉन्टेक्स्ट है, वो समझ रहा है सामने वाला। फिर वो सामने से दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं यार मुझे लग रहा है कि वो फला दूसरी पार्टी है ना उसने इस दफ़ा सोशल मीडिया पर बड़ी मार्केटिंग की है, बहुत पैसे लगाए हैं और पैसे भी बहुत हैं उनके पास, वो बंदे भी खरीदेगी तो वो जीतेगी। यही बातें होती हैं ना दोस्तों में दोस्तों। हाँ नहीं पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे MNA अभी फिर सिर्फ वोट से तो नहीं जीत सकता ना बंदा यार। खैर तो आपस में दोस्तों में यही बातें हो रही होती हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि हाँ यार अच्छा ये बात हो रहा है। अच्छा तो अगर मिसाल के तौर पे कोई तीसरा एक बंदा गया हुआ उठ के ना, तीसरा बंदा आएगा ना तो आते ही मतलब कुछ समटाइम बर्गर वर्गर या जादू लेकर आ, वो लेकर आता है तो आगे रखते हैं हाँ भाई किसके जीतने की बातें हो रही हैं। तो ये उस टाइम ये कह रहा है ना कि वी फील अनहर्ड और अनवेलकम्ड, हम कहेंगे अबे भाई तूने मिस कर दिया। तो वो उसको या तो हम बताएंगे सेम उस पे लाएंगे, अदरवाइज वो अनवेलकम फील करेगा बंदा कि यार ये मैं अकेले अकेले कुछ बात कर रहा हूँ, है ना वो अनवेलकम फील करेगा कि यार आई एम नॉट वेलकम इन दिस टेबल। इसीलिए तो आते ही पूछ रहा है कि हाँ भाई किसके जीतने की बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है। फिर उसको जब बताएंगे तो फिर वो भी अपना कोई ओपिनियन देगा सामने से कि भाई इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है ऊपर, क्या हो गया पैसे वैसे सब साइड पे हो जाएंगे। अच्छा तो द मैक्सिम रिलेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट व्हेन पीपल फ्लोट इट दैट इट्सेल्फ इज अ मैसेज। अच्छा एना क्या बात की है, एना ने कहा आई हर्ड देयर माइट बी अ ले ऑफ सून। सामने से जवाब दिया दूसरे ने कि वाओ इट इज श्योर इज हॉट इन हेयर। क्या इसने बात की है मेरे भी समझ नहीं आई है। हाँ सही है, जब ही तो समझ नहीं आया, असल में वो डेमोन्स्ट्रेट ये करना चाह रहा है कि समझ नहीं आया कि वो एना ने जो कहा था सामने उसने भी बोला था यहाँ क्या हॉट होगा। मैंने कहा ले ऑफ का मतलब होता है कि मतलब बंदे फारिग किए जाएंगे निकाले जाएंगे, तो हॉट का मतलब होता है कि इट्स हॉट हेयर, गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये यही बताना चाह रहा है कि तो परहैप्स लिली वॉज नॉट लिसनिंग टू द एना, डिडंट कैच व्हाट शी सेड। ठीक है हो सकता है इसने जो बात बोली उसने सही तरह सुनी ना हो और कुछ और समझ के जवाब दे दिया, ठीक है। बट एना एक्सपेक्टेशन आर द लिली सेइंग समथिंग देयर आर ले ऑफ कमिंग, बट लिली कैंट से दैट शी नो एनीथिंग अबाउट इट इन द हिंट। अच्छा तो मतलब एना ने जो बात की है ना, तो एना जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये कह रही थी कि हाँ यार हो सकता है ले ऑफ हो बट मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, इस तरह की कोई बात एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। अच्छा अब ये GUI में क्या होता है और ये VUI में क्या होता है ये दोनों बता रहा है कि भाई ये GUI के अंदर जो रिलेशन है ना इज कम इन टू द प्ले मच। अच्छा डजेंट कम इन टू प्ले मच। GUI इंटरेक्शन आर डिजाइंड सच अ वे द रिस्पॉन्स टू ए यूजर रिक्वेस्ट इनहेरेंटली हैज़ अ रिलेशनशिप। नॉनदलेस GUI डिजाइनर कैन ब्रेक दिस मैक्सिम बाय हाइडिंग द कंटेंट अमंग अनरिलेटेड डिटेल्स फॉर द गुड बिजनेस ऑन दिस न्यूज लेटर क्रॉप्स। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई आप न्यूज़ पढ़ने जाते हो कहीं या किसी भी वेबसाइट में जाते हो ना तो ऊपर अन इररेलीवेंट चीज़ें तो होती हैं ना, ऊपर नेविगेशन बार है उसका तो ताल्लुक नहीं है इस पेज से लेकिन वो है खड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वो रेलीवेंट चीज़ तो सामने है लेकिन साइड पर जो सजेशन आ रही है वो बिल्कुल इररेलीवेंट भी हो सकती है। वो तो कह रहे हैं कि वो मसला नहीं है, डिज़ाइनर उसको मैनेज कर लेते हैं कि वो असरअंदाज नहीं होती मेन कम्युनिकेशन में, ठीक है। हाँ बाई द वे ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं ना जितने वीडियो के और ये सारे कम्युनिकेशन में लाए करते हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं कि दो बंदे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो YouTube भी असल में आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो YouTube के भी जो डिज़ाइनर्स हैं वो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। YouTube से वीडियो से आवाज़ निकल रही है असल में बंदा समझता है कि ये मुझसे बात कर रहा है कंप्यूटर, इंटरनली बंदे को ये लग रहा होता है, ठीक है। वो चुप हो जाए ना अगर बोलते बोलते तो फिर बंदा उसी तरह बिहेव करता है जैसे बंदा चुप हो जाए बोलते बोलते, तो बंदा देखता है ये क्या हुआ। सही है
अगर आप इवन कुछ और भी कर रहे हो ना, नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, आप दूसरे सजेशन देख रहे हो, तो जैसे ही वो रुकते हैं ना या उसमें कोई ऐसी बात आती है तो फौरन आप स्क्रॉल करके मेन स्क्रीन पे जाते हो, ठीक है। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द फर्स्ट प्लेस इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। लोगों ने एक दूसरे से बात करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री भी है ना जो सारा, ये भी एक दूसरे से बात करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। किसी कंपनी की इन्वेंट्री है कि आपकी जो अटेंडेंस की ऐप लगी हुई है बाहर, व्हाट इज़ दिस, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं सही मानों में। इन इट्स रूट जो ह्यूमन की प्रैक्टिस है ना, ह्यूमन स्टोरी टेलिंग एनिमल है, तो ये स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस हो रही है अटेंडेंस ऐप के अंदर भी। मिसाल के तौर पर वो आप सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं ना, तो असल में आप सब लोग किसी के लिए मैसेज छोड़ रहे होते हैं उस ऐप में। फिर एक एडमिन आता है, वो देखता है अच्छा इन लोगों ने आज मैसेज छोड़ा है कि ये आए हुए हैं, सही है। तो असल में बात हो रही है वो, अच्छा अब वो सामने से वो भी कोई मैसेज छोड़ सकता है कभी, किस फॉर्म में होगा नॉट श्योर, लेकिन वो छोड़ेगा कभी ना कभी कोई मैसेज, ठीक है। मे बी वो आपको ले ऑफ कर दे, निकाल दे आपको क्लास से ही। अब अगली दफ़ा जब आप आएंगे ना ट्रीट करने के लिए, अटेंडेंस के लिए, तो आपका वो भूम नहीं होगा, तो वो उसने आपके लिए मे बी मैसेज छोड़ा कि बस अभी हो गया आपका। तो असल में तो कम्युनिकेशन ही है, असल में तो कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनली। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जब आप डिज़ाइन जब पढ़ेंगे ना इन डिटेल, तो डिज़ाइन भी जो सब्जेक्ट है वो असल में कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, ठीक है। एक तो डिज़ाइन है ना, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन है। फिर कम्युनिकेशन डिज़ाइन के बाद यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और वो सारे हैं, तो ये सारे वो टॉप वाले। तो इन डेप्थ जो है वो कम्युनिकेशन है। स्टोरी टेलिंग एनिमल से हम शुरू हुए और हम एक दूसरे को स्टोरी टेल करते हैं, अब चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे बुक्स की सूरत में हो, चाहे वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़ हो, या न्यूज़, इवन न्यूज़ जो होता है वो भी स्टोरी टेलर होता है। वो स्टोरी बता रहा होता है कि फला जगह शारा फैसल पे आज 16 स्टोरी बिल्डिंग में ऐसे ऐसे करके आग लग गई, वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छा, तो खैर कह रहा न्यूज़ लेटर वगैरह में ना ये इररेलीवेंट न्यूज़ भी साइड से इधर उधर से पॉपअप हो रही होती है, नॉट अच्छा। वी यू आई के अंदर क्या है, हैज़ अ सिमिलर यूजर ड्रिवन मैकेनिज्म दैट थस रिस्पॉन्स मस्ट बी रिलेटेड टू द रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन बिल्डर फॉलोइंग द मैक्सिम ऑफ क्वालिटी सिमिलरली शुडंट पुट अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स। कह रहा है कि भाई ये वी यू आई में तो आप ना इसको ब्रेक नहीं कर सकते, रेलिवेंट रखना पड़ेगा वरना बंदा सामने से फील करेगा फौरन, ठीक है। वे आर वी यू आई मोस्ट लाइकली and the a foul of the maxim of relation when the user request is misunderstood, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी कोई बात कर दी ना उल्टी सामने से, तो यूज़र को ये भी लग सकता है कि मैंने जो बोला था ना वो इसको समझ नहीं आया सही, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए एक और भी तरीका इख्तियार किया जाता है जो अभी बात यहाँ पे आ गई है जहन में मेरे, कि जब यूज़र कोई सवाल पूछता है ना, तो हम जब जवाब देते हैं तो जवाब में हम उसका सवाल भी शामिल करते हैं। हाँ, कि ये हमने पहले भी एक दफ़ा ये मैंने बात की थी, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जवाब के अंदर ना सवाल लाजमी हम शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बोला है ना कि कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, तो मैं उसको बोलूँगा कि 5 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर इज़ 500 समथिंग, जो भी आता है आंसर, तो मैं ये बात शामिल रखूँगा उसके अंदर, ठीक है। या मैं बोलूँगा कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो सामने से जवाब ये होना चाहिए कि द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ जो बाइडन, ताकि नाइजीरिया ना समझ रहा हूँ ना कहीं वो, मतलब आम तौर पे मुझे एज अ टेक पर्सन या एज अ कॉमन मैन भी, मुझे कंप्यूटर पे ये भरोसा नहीं है किसने मेरी बात सही समझी है। समटाइम ऐसा लगता है कि यार पता नहीं सही बात समझी है इसने। अभी अगर बंदा बोले कि यार हाउ मच इज़ $2,500 इन पाकिस्तानी रुपीज़, सही है। अब अगर वो बोल दें कि यार 35 लाख इतना इतना इतना, और वो बस बोल के चुप हो गए, अब मैं बोलूँगा यार मैंने 2500 तो बोला था इसको, अब इसने 25 समझा नहीं सब, मैं दोबारा पूछूंगा अपना मे बी। उसने एक नंबर बता दिया ना जवाब में, अब वो नंबर क्या बताया उसने, मेरी बात पता नहीं उसको समझ आई नहीं आई, या तो अगर कोई लिखा हुआ भी आता होगा तो मैं देखूंगा पलट के यार लिखा हुआ में क्या है, अदरवाइज मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है रेलिवेंट से आगे कि मैं उसको बोलूँगा कि $2,500 इज़ 35 लाख, सही है, जो बनता है पाकिस्तानी रुपीज़, ऐसे करके, ठीक है, XXX नंबर ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। तो उससे सामने वाला कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा मैंने जो बोला था इसने सही समझा, कैलकुलेशन गलत क्यों वो बात अलग है, लेकिन उसको समझ आएगा कि समझा सही था, कैलकुलेशन गलत है कि यार रेट गलत लगा रहा है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो या अगर
इन बेस्ट केसेस अगर तो कोई ऐसी ऐप है ना जो काम ही इसी पे करती है फाइनेंस पे, तो उसने ये भी बताना है कि रेट क्या उन्हें लगाया है, ठीक है, कि भाई 2500 US डॉलर इज इतने 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 पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, एज टुडे रेट और 20 250.80 टुडे रेट है, सही, ऐसे भी शायद बता दे में भी, तो ज़्यादा वो रेलिवेंट हो जाएगी बात, क्योंकि असल में जब बंदा कन्वर्जन करता है तो असल में रेट ही पता करना चाह रहा होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे, अपने मैनर में, मैनर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार हर जगह पे बोलने का एक मैनर होता है, ठीक है, तो द मैनर मैक्सिम डायरेक्ट्स कन्वर्जेशनलिस्ट टू बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली। तो ये बात है ना कि क्लियर, स्पेसिफिक और ऑर्डरली होने की बात है, कि बात जो भी आप कर रहे हो ना वो क्लियर हो, बिल्कुल स्पेसिफिक हो और ऑर्डरली हो। क्लियर का मतलब क्या हो? वाजे हो, कोई कोड वर्ड में बात ना हो रही हो, ठीक है, यानी वाजे बात हो रही हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने उससे पूछा है कि 2500 डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में कितना होता है, तो वो ये नहीं बोले कि यार जितना कल होता था उतना ही आज, या फॉर्मूला दे दें कि भाई इसको आप कन्वर्ट करोगे ऐसे तो निकल आएगा, ये नहीं। क्लियर जवाब होना चाहिए कि यार 2500 US डॉलर इज इतने इतने पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, आगे कुछ बता दें वो बात अलग है, लेकिन ये इतना क्लियर हो गया ये, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स होना चाहिए। या वो बहुत घुमा के भी नहीं बोले, कोई घुमा के भी बात नहीं करे कि यार US डॉलर का ये कोई रेलिवेंट बात शुरू में करके, फिर ये भी नहीं करे, ये तो पुराने मैक्सिम भी तोड़ देगा वरना ना पीछे के। स्पेसिफिक बात होगी, स्पेसिफिक बात ये होगी कि अब US डॉलर मैंने बोला है ना, तो US डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस मैंने स्पेसिफिकली बात करूँगी, ठीक है, वो तो स्पेसिफिक जवाब उसको देना पड़ेगा कि भाई 2500 इज 35 लाख, नहीं ये नहीं बोले कि 2500 इज 35 लाख, ये नहीं होगा जवाब उसका, भी स्पेसिफिक होगा क्योंकि सवाल स्पेसिफिक है कि भाई 2500 US डॉलर इज 35 लाख, सही है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऑर्डरली सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में सवाल हुआ जवाब भी उसी सीक्वेंस में होगा, या अगर कोई ऐसी बात है जो ऑर्डर में बताने वाली है तो वो ऑर्डर में बताई जाएगी, ठीक है। ऑर्डरली का मतलब वैसे तो होता है कि मतलब सीधे सीधे तरीके से, ये महावरतन ऐसे बोला जाता है ऑर्डरली, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई 2500 US डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीस, तो उसको जवाब भी ऐसे ही देना चाहिए कि 2500 डॉलर इज इक्वल्स टू इतने इतने पाकिस्तानी रुपीस, सही है, अपोजिट नहीं हो सकता, ये अपोजिट होगा तो वेयर्ड होगा ना, अपोजिट अगर कर दिया मैंने तो वेयर्ड होगा ऑब्वियसली। मैं बोलूँगा कि यार इतने इतने पाकिस्तानी रुपीस इज इक्वल टू 2500 डॉलर, तो बात तो ये सही है लेकिन ऑर्डरली नहीं हुई है, स्पेसिफिक भी है, क्लियर भी है, लेकिन ऑर्डरली नहीं है, तो इससे भी गड़बड़ हो सकती है सामने। ये मैक्सिम है ना कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो मज़ा कैसे आता है, ये वो बात होगी, तो ऑर्डरली बात होगी ना तो मज़ा आएगा सुनने में, आगे पीछे पॉइंट हो गया ना अगर तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो ये वाली बात हो गई। पीपल यूज एक्रोनियम एंड जारगॉन्स ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ देयर इन ग्रुप सम टाइम इवन विद इन दे वायलेटिंग द मैक्सिम ऑफ द मैनर द थ्रू द obesity, the same goes young children who struggle to tell a story. And when I went to school and actually I went to the zoo and you were there, no mommy. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना ग्रुप में, तो वो कुछ ऐसे ना इंटरनल जोक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं ना जो सिर्फ एक बंदे को समझ आता है, बाकियों को नहीं समझ आता वो, ठीक है, किसी को चढ़ाने के लिए होता है ना। या मिसाल के तौर पे अब एक बड़ा अच्छे हमारे दोस्त है, वो जोक सुनाया था उन्होंने हमें एक दफ़ा, प्याले वाला जोक ये था, वो जोक तो मैं खैर भूल भी गया, पता नहीं क्या था वो, लेकिन हम ना बहुत हंसे थे उस पर, तो लोट पोट हो गया हंसे थे। अब वो तीन लोग थे हम उस वक्त, दो हंसने वाले थे एक हंसाने वाला था, तीन लोग थे हम। अब वो जब भी, जब हम दोनों हंसने वाले बंदे हैं, हम जब भी आपस में मिलते हैं ना दूर से, तो हम बस ऐसे करते हैं एक दूसरे को, वो भी हंसता है मैं भी हंसता हूँ। अब ये मगर बात ना, कोई तीसरा बंदा अगर समटाइम खड़ा होता है ना, तो वो हमारी शक्ल देखता है और बोलता है यार ये शायद हिल विल ही है ना, उल्लू समझता है कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, नहीं नहीं वो चिड़ नहीं, वो असल में एक लतीफ़ा था कोई, कि वो अब एक बंदा गया प्याले में पता नहीं क्या लेने, तो फिर वो हाँ
फिर उसने बोला कि यार थोड़ा सा रह गया तो पता नहीं पलट दूँ मैं दो, पता नहीं कैसे करके सुनाया था उसने, बहुत अच्छा करके ना, तो वो भाई हम उस पर बहुत हंसे। तो उसको कहते हैं ना प्याला, सामने से बस ये कहते हैं, तो हम दोनों फिर हंसते हैं, कहते हैं हाँ नहीं है। तो वो तीसरा बंदा कोई खड़ा होता ना, वो कहता है यार ये उसको समझ नहीं आई ना बात, उसको पता ही नहीं चला ये बात हुई है, कोड वर्ड में बात हुई ना तो क्लियर नहीं हुई है बात, बात तो कुछ हुई बट इट वॉज नॉट क्लियर, कोड वर्ड में बात हो रही थी, उसको पता ही नहीं चला, तो हंसेगा सिर्फ वो जिसको पता चला, ठीक है बाकी बंदे नहीं हंसेंगे। कह रहे इस तरह बच्चे भी अक्सर करते हैं, बच्चे ना अपनी स्टोरी सही तरह बता नहीं पाते, कहते हैं कभी बोलेंगे कि भाई मैं स्कूल जा रहा था ना तो वहाँ ना तो फिर मैं जू में गया ना तो वहाँ पे आप थे ना, मतलब ऐसे इसने बनाने की कोशिश की है, बच्चे असल में ऐसे बताते हैं कभी ना, फुल वो घुमा घुमा के बताते हैं ऐसे, तो अटेंशन सीख कर रहे होते हैं असल में, तो बच्चे जब ये कर रहे होते हैं तो उनको अटेंशन चाहिए होती है वो बात करे हुए उनसे, ठीक है। अच्छा गेट टू द पॉइंट लिटिल वन, तो अब सामने से बंदा जब वो इस तरह घुमा रहे होते हैं ना बात, तो सामने से बंदा क्या कहता है, कैन गेट टू द पॉइंट, तो ये मैनर्स के खिलाफ है असल में, वैसे तो ये वो क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है, ये इतनी लंबी जो बात हुई भी है, अच्छा इसमें क्वालिटी भी नहीं है क्योंकि ट्रू बात नहीं हो रही ना, बात पता नहीं कहाँ, कभी स्कूल जाऊँगा कभी जू जाऊँगा वो वाली बात हो रही है, बट ये मैनर के भी खिलाफ है। नहीं ये तो अभी तो ये वो बात हो रही है कि दो लोग आपस में कैसे बात करेंगे, अभी तो ये बताएगा ना आगे कि VUI में ये कैसे होगा और ये फिर ये GUI में कैसे होगा, ठीक है वहीं पे इसने ख़त्म कर दिया। अच्छा तो डिज़ाइनर ट्राई टू फॉलो द मैक्सिम विद GUIs बाय बिल्डिंग इंटरेक्शंस दैट आर ऑर्डरली एंड यूजिंग लैंग्वेज दैट इज़ क्लियर, कह रहे हैं कि आमतौर पर जो मैसेज वगैरह आता है, कभी आपने कोई बाय किया तो सामने लिखा हुआ था कि यार पेमेंट एक्सपायर या क्रेडिट कार्ड रिजेक्टेड, हो क्लियर मैसेज होता है, तो वहाँ पे ये वाले मैक्सिम लगाता है डिज़ाइनर, वहाँ पे ये नहीं लगा सकता कि भाई मिसाल के तौर पे API से तो हमें क्या मिलता है कि कार्ड EXP और ऐसे करके कोड मिलता है हमें कि जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, या पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड में आ रहा होता है कि 402 आ रहा होता है शायद, तो वो 402 बोलता है सामने से, तो हम 402 थोड़ी दिखाएंगे यूज़र को, यूज़र को क्या पता 402 क्या है, तो हम उसको प्रॉपर मैसेज दिखाते हैं। तो कह रहा है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है, कह रहा है 500 के कोड का मतलब क्या होता है, नॉन टेक्निकल बंदे को क्या पता, तो 500 का मतलब होता है कि सर्वर एरर, कि वो उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। अब ये VUI में क्या है भाई, द सेम मैक्सिम टू मैनर कंसर्न्स बट दे आर हाइटेंड कंपेयर्ड टू अ GUI, कह रहा है कि इसमें भी GUI में भी मैटर करता है लेकिन वॉइस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, हाइटेंड का मतलब है कि वो और लंबा हो गया। एरर कैन कंटिन्यू टू बफल्ड लिसनर, द प्रॉब्लम इज द मोर डिफिकल्ट विद VUI बिकॉज द सोर्स ऑफ द एरर इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस ऑन द एप्लीकेशन, डिड द यूजर रियली मीन टू से टर्न ऑफ लाइट इन द बेडरूम और डिड स्पीच टू टेक्स मेक अ मिस्टेक, ये वही वाली बात आ गई कि भाई बंदे ने जो सामने से बोला है क्या कंप्यूटर को वही पता चला है या आपके वेब हुक तक वही बात पहुंची है या बीच में स्पीच टू टेक्स्ट ने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। इफ़ द फॉर्मर यू शुड रिस्पॉन्ड द यूज़र हैज़ नो ब्रेड रूम रजिस्टर्ड, अब ब्रेड रूम को इसने क्या करा है, ब्रेड रूम पकड़ा है, तो अब आप क्या जवाब दोगे कि भाई ब्रेड रूम रजिस्टर्ड नहीं है, सही, आपके पास यू हैव नो रजिस्टर्ड विद ब्रेड रूम। इफ लेटर यू विल नीड टू इंस्ट्रक्ट द यूजर टू ट्राई अगेन एंड स्पीक स्लोली मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट विच दीज हैपन ब्रेक्स द मैक्सिमम दिस, ठीक है। सो बेस्ट अप्रोच इज ऑफन टू द गिव अ नॉन कॉमेंटल आंसर, कह रहे हैं कि अब हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो स्पीच टू टेक्स्ट में मसला हो गया हो सकता है कभी आपके डेटाबेस से कोई मसला हो गया हो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि वो तो आपको ट्रांसक्राइब होने के बाद मिलता है वॉइस ना, ट्रांसक्रिप्शन तक तो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, सीधा ट्रांसक्रिप्शन होती है, आपको टेक्स्ट मिलता है, उस टेक्स्ट मिलने से पहले वाला जो मसला है ना वो आपको अनक्लियर है, हो सकता है बंदा बोल रहा हो और बीच में जो कोई बच्चा चिल्लाता हुआ चला गया हो कुछ तो वो उसने वॉइस पकड़ ली हो, तो इस तरह की कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो कह रहे हैं कि आप क्या अगर नॉट कमिटल एरर का मैसेज आप देंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि यार आप आराम से बोलो या स्लो बोलो या तेज़ बोलो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो स्लो बोलने की वजह से हुआ या तेज़ बोलने की वजह से, आप कहेंगे बस ट्राई अगेन, अच्छा ठीक है, या समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह की कोई बात करेंगे आप,
ठीक है. अनक्लियर एरर आर प्रोबेबली नॉट इवन द मोस्ट कॉमन वे इन द वॉइस एप्लीकेशन. कह रहा है भाई अनक्लियर हम मजबूरी में ही देते हैं सर, अगर तो आप बता सकते हैं कि क्या एरर है तो बताना भी चाहिए, ठीक है. एंड वॉयलेट द मैक्सिमम ऑफ मैनर. कह रहा है कि ये तो एक तो हो गया कि उससे पीछे वाली चीज़ है ना उसमें तो आपको पता ही नहीं चलता. दैट्स जनरली रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपर डिजाइनर राइटिंग रिस्पॉन्सेज विदाउट कंसिडरिंग हाउ दे साउंड. रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज आर डिफरेंट. द रिटन वर्ड पुल फ्रॉम अ गार्डनर कॉर्प्स यूजेस अ हायर वेनेक्युलर एंड रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन. स्पीच हैज अ स्मॉलर वोकैबुलरी. इट यूजेस स्लैंग एंड अदर वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट फॉर राइटिंग. कह रहे हैं कि यहाँ पे ना अब चक्कर क्या है कि आपने जो भी बात बोली है ना वो लिखने में अलग होती है और बोलने में अलग होती है. बोलने में वोकैबुलरी कम इस्तेमाल होती है और स्लैंग वगैरह ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो लिख नहीं सकते आप, लिखने में वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है. इट हैज़ सिंपलर सेंटेंस फ्यू क्लॉजेज. व्हेन अ फॉर्मुलेशन that's appropriate in writing is spoken, user have more differently following it, more difficultly following it. कह रहे हैं कि अगर आपने formulation ऐसी बना दी ना जो सिर्फ जो लिखने में अलग और बोलने में अलग है और लिखने वाली बनाई थी और बोल के सुना दिया यूज़र को, तो वो यूज़र के लिए ना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना उसको कि ये हुआ क्या. अभी हो सकता है कोई एग्जाम्पल भी दे दे आ गई है इसकी तो आसान हो जाएगा, ईजिली समझ आ जाएगा. Partially, this is because the language is out of place and people flinch at their. Can I imagine a Valentine's Day card in a business speak? And card Valentine's Day card in business speak. Memo. Opportunities for syringes. Syringes. ये मुश्किल यार हर जगह English इसने use की है पता नहीं क्यों. Cross functional. कोलैबोरेशन बिटवीन आवर टू पार्टीज़ ऑन 14 फरवरी. अच्छा इसने कोई बिल्कुल ही अलग एक्सेंट में लिख दिया है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है दो लोगों के मिलने के लिए, कोलैबोरेशन बिटवीन दो. अब कोलैबोरेशन का वर्ड यूज़ नहीं होता आमतौर पे इसके लिए, ठीक है. अब इसमें मेकिंग लव होगा या मीट होगा या डेट होगा, इस तरह का कोई वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. तो ये लिखने में तो ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है. अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल अराइज. अच्छा इस तरह का अगर जुमला सामने से सुन लिया किसी ने और कॉन्टेक्स्ट था वैलेंटाइन का तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बिल्कुल यार ये क्या हुआ इसको अचानक, ठीक है. तो ये भी मैनर के खिलाफ है. अब ये उस तरफ लेके आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जगह से फ़र्क पड़ता है, लिखने और बोलने वाली ज़ुबान अलग है उससे फ़र्क पड़ता है, फिर ओकेजन से भी फ़र्क पड़ता है कि आप ओकेजन क्या है ना उसके लिए अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होती है. अगर बर्थडे का ओकेजन है या वैलेंटाइन का तो उसकी वोकैबुलरी अलग है, कोई बिजनेस मीटिंग है कोई ट्रिप है फॉर्मल तो उसका वोकैबुलरी उसकी अलग है. अभी उस तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. वेयर एज रीडर्स कैन गो बैक ओवर व्हाट दे हैव रीड और जंप फॉरवर्ड टू इररेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन, लिसनर डोंट हैव दोज ऑप्शंस. अब ये इस तरह की बात जब बंदा बोलेगा ना तो सामने वाले को लगता है कि यार क्या इसने वाकई ये बोला है या मुझे सुनने में लगा. कह रहा है टेक्स्ट के अंदर ना ये वाला मसला नहीं है. टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि बंदा पीछे जाके दोबारा रीड कर सकता है, उसको दोबारा रीड कर लेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है इसने. जैसे सम टाइम मैं बुक पढ़ने के दौरान मैं कर रहा हूँ कि यार जुमला समझ नहीं आया लग रहा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं. कह रहा वॉइस में ना ये ऑप्शन नहीं होता, वो एक बार बोल के निकल गया तो निकल गया, उसी एक दफ़ा में समझ में आना चाहिए उसको. अगर एक दफ़ा में समझ नहीं आया तो बड़ गड़बड़ है. अच्छा तो ये इसने बात कर दी तो वॉइस में ना ये ऑप्शन अब नहीं है कि यार अब एक बार जो निकल गई बात वो निकल गई, अब इसका करेंगे क्या. प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन स्पीकिंग लैंग्वेज दैट स्टार्ट आउट एज रिटन एंड द सॉल्यूशन इज टू गो स्पोकन फर्स्ट, स्पीक अलाउड द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स एज और बिफोर यू राइट देम, यू विल डिस्कवर इशूज दैट वुडंट अदरवाइज दैट यू वुडेंट अदरवाइज. तो कह रहे हैं कि अब इसका हल क्या निकालें. हल ये निकालें कि जो भी रिस्पॉन्स आप भेज रहे हैं ना एज अ वॉइस तो उसको ना आप अपने मुंह से ज़रा बोल के चेक करें एक दफ़ा कि वो बोलने में लग कैसा रहा है, या उसको लिख के चेक करें तो कैसा लग रहा है वो बोलने में ना आपको खुद ही फील हो जाएगा. अदरवाइज कह रहा है वो पता नहीं चलेगी आपको बातें और वो प्रोडक्शन में चली जाएगी, ठीक है. वैसे तो चला के देखेगा उसको क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा या आप खुद ही बाद में चला के देखेंगे, लेकिन वो हर तरह के रिस्पॉन्स चला के देखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता. आपको याद है जब हम लास्ट जुमला कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो क्या जुमला बनेगा
जैसे तीन इफ लगाए हुए थे मैंने कि भाई इफ अगर ये हो तो टुडे बोल दे, इफ अगर ये हो तो इवनिंग बोल दे, मॉर्निंग बोल दे, ऐसे। तो अब ये मॉर्निंग में ही जुमला कैसा लगेगा, इवनिंग में ही जुमला कैसा लगेगा, तो मैं बोल बोल के देख रहा था। तो ये वो वाली बात इसने कर दी कि भाई जो आप डिफरेंट इफ एल्स लगा के अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना चार तरह के जुमले चार अलग अलग ओकेजन में, तो वो चारों को अपने ना बोल के उसी वक्त चेक कर लें हाथ के, क्योंकि बाद में फिर वो मसला है, आपको पता नहीं चलेगा अदरवाइज़। ठीक है, और उसमें आपने नोट किया होगा अगर वो रिकॉर्डिंग भी उसकी हुई थी तो आप बाद में देखेंगे ना, तो वो जुमला इनिशियली बिल्कुल डिफरेंट था, वो जब मैंने बोल के दो तीन बार देखा तो वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो गया था बाई द एंड ऑफ दैट सेशन, वो जुमला एंटायरली डिफरेंट था। सो इवन बेटर देन स्पीकिंग रिस्पॉन्स अलाउड टू योरसेल्फ। ठीक है, कह रहे हैं या तो लिख के देख लो या तो बोल के खुद से अपने आप से देख लो। ठीक है, अलेक्सा गूगल असिस्टेंट वॉइस फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू आर हायरिंग अ वॉइस टैलेंट और रिकॉर्डिंग ऑल द रिस्पॉन्सेज योर सेल्फ यूजिंग द प्लेटफॉर्म वॉइस विल गो दिस दिस। अब कह रहे हैं कि यार वॉइस भी दो तरह की हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि आप वॉइस ना MP3 में रिकॉर्ड कर लें सारे जो जो पॉसिबल वॉइसेज हैं, है ना, ये होता है। गूगल असिस्टेंट जब पहली दफ़ा आया था उसमें यही था कि जितनी भी वॉइस के रिस्पॉन्सेज वो देता था ना गूगल, वो सब रिकॉर्डेड था। अब आप इमेजिन करें कि मिलियंस ऑफ MP3 वो रिकॉर्ड उन्होंने किए होंगे, पता नहीं मिलियंस तो नहीं किए होंगे, खैर कम से कम 3-4 हज़ार तो क्लिप्स बनाए होंगे उन्होंने। तो वो एक बंदा होता था, उसका काम यही होता था कि सुबह से शाम तक उसको वो जुमले दे देते थे जनरेटेड, और उस जुमले को उसने बोल बोल के रिकॉर्डिंग करनी होती थी, और वो दिन भर रिकॉर्डिंग होती थी। फिर बाद में उन्होंने वेवनेट बना लिया उससे, फिर वेवनेट से करने लगे, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग के ऊपर चलते। तो कह रहे हैं कि अगर तो आप वो रिकॉर्ड किया हुआ है ना वो वाला आर्टिस्ट अगर आपने रखा हुआ है, तो वो आर्टिस्ट को फिर आप दे दें तो वो बोलेगा, तो उसको भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये बोलने में अटपटा लग रहा है। या आप खुद अगर कर रहे हैं तो फिर वो वॉइस प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे अलेक्सा में आप टेक्स्ट देते हैं, बोल के खुद बताते हैं, तो वो करेगा। ठीक है, उसकी भी एक लैंग्वेज है SSML, SSML मुझे याद दिलाइए कि वो भी कवर करनी है। ठीक है, SSML बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि SSML अब रेलिवेंट रहेगा या नहीं, लेकिन SSML क्योंकि एक लैंग्वेज है HTML की तरफ, तो वो जितनी भी फ्रेमवर्क्स आ जाएँ उस तरह की कुछ ना कुछ लैंग्वेज हमें रिक्वायर्ड होगी हमेशा। ठीक है, तो SSML ज़रूर कवर करेंगे हम इस क्लास में। वॉइस विल गेट यू क्लोज टू द हाउ द यूज़र विल एक्सपीरियंस योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बस ये ख़त्म हो गई मेरे ख्याल बात यहाँ पे। ठीक है, प्लानिंग VUI आ गया। अब ये प्लानिंग में इसने असल में बात ये की है लुब्बे लुबाब कि भाई प्लान आपने करना है, पहले ही उसको लिख लेना है रिस्पॉन्स को ना, फ्लो चार्ट पूरा बना लेना है कि वो फ्लो शुरू कहाँ से होगा और क्या क्या सवाल पूछ के एंड कहाँ पे होगा। ठीक है, कितने तरह के फ़्लो होंगे। कह रहा है कि वो इसने इस पैराग्राफ में ये बात बताई है कि आप पहले ही लिख लो उसको, आउटलाइन पूरा बना लो आप, और क्या चीज़ फिर पॉसिबल है क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर वैरायटी में इसने ये लिखा है कि भाई जो एक ही बात बार बार बोलने के बजाय आप हर जुमले का कुछ वेरिएशन भी बना लो। ठीक है, तो उसमें आप वैरायटी थोड़ी सी आप दोगे तो बंदे को लगता है कि हाँ यार थोड़ा। ठीक है, तो इसने देखो ये दो जुमले बनाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीन जुमले बनाए हुए हैं, तो इसमें से रैंडमली कोई एक उठा रहा है, यहाँ पर प्लग करके इसने वो बनाया हुआ होगा फंक्शन ऊपर बनाया हुआ है प्लग, हाँ ये प्लग इसने बनाया हुआ है, तो वो तीन चार जुमले बनाता है, एक ही जुमले के तीन चार वेरिएशन उसको प्लग करके निकाल लेता है, वो हमने भी बनाया था ये प्लग। तो ये चीज़ें हम सारी कर चुके हैं काइंड ऑफ ना, जो अब ये आगे बताने वाला है। तो डिज़ाइन हमारा जो डिज़ाइन की जो डिस्कशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है काइंड ऑफ। अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है वो ज़रा देख लेते हैं नज़र, और फिर हम निकलते हैं। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपने इसको, हाँ वेलकम इंटेंट हो गया था, न्यू ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, ऑर्डर स्टेटस को हमने, हाँ ऑर्डर स्टेटस भी हमने पूरा बना लिया था, पूरा बना लिया था ऑर्डर स्टेटस, याद है किसी को, चलो चला के देख लेंगे। ऑर्डर स्टेटस आई थिंक पूरा हो गया था हमारा। अब हमें अगला काम करना था कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ये करना था कि भाई जब बंदा न्यू ऑर्डर देना तो उससे मैं सामने से पलट के पूछूं कि यार कोल्ड ड्रिंक चलेगी क्या। ठीक है, तो वो बोले यस या नो, ऐसे करके बोलेगा वो, तो वो यस उसको समझे ऐसे ही डायरेक्ट, और इसके साथ कोई ऐसा इंटेंट और भी बना लेंगे हम जिसका फॉलो अप लेते हो कोई। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंप्लेन, नहीं कंप्लेन में क्या फॉलो अप होगा, कोई ऐसा इंटेंट हो सकता है और जिसमें फॉलो अप हो। देखो न्यू ऑर्डर जब बंदा करता है ना, ऑर्डर बोल दिया बंदे ने पूरा, तो हम उसको ये बोलते हैं कि यार साथ में कोल्ड ड्रिंक दे दूँ मैं या एपेटाइज़र दे दूँ इस तरह में, हाँ मेक इट अ मील, से यस टू मेक इट अ मील, इट विल एड, इट विल मेक योर अमाउंट 300। जैसे बंदे ने 250 का कुछ लिया तो मैं बोलूँगा कि यार आप से यस टू मेक इट अ मील एंड योर अमाउंट विल बी
50 एडेड हो जाएगा और 300 हो जाएगा, वो बना देंगे हम जुमला कोई। अब बंदा यस बोले तो वो ऐड हो जाए और नो बोले तो वो नहीं हो। तो ए आई फॉलो अप इस चीज़ को कहते हैं। तो न्यू ऑर्डर की बात तो चलो मेक इट अ मील मैंने कह दिया, और कोई ऐसा इंटेंट हो सकता है ऑर्डर फूड ऑर्डर में जिसका फॉलो अप हो? पेमेंट मेथड नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ टेल मी अबाउट द रेस्टोरेंट करके हम बना लेंगे एक, टेल मी अबाउट द रेस्टोरेंट करके, तो रेस्टोरेंट के बारे में एक दो बातें बताए और फिर फॉलो अप में ना हम उससे पूछ लेंगे कि वुड यू लाइक टू हैव माई फ़ोन नंबर एज वेल। बंदा यस बोले तो फ़ोन नंबर बोल के बता दें, नो बोले तो बस ओके हो। हाँ ठीक है। नहीं फीडबैक तो कब लेंगे फीडबैक, जब बंदा अगर रेस्टोरेंट के बारे में आगे पूछ रहा था वो तो पहली दफ़ा आया ना, जब ही तो पूछ रहा है रेस्टोरेंट के बारे में। नहीं रिसीव होने पे कोई आएगा थोड़ी, कुछ बोलेगा थोड़ी यहाँ पे आके। वो हाँ नहीं तो वो तो डायरेक्ट बोलेगा ना आई हैव अ फीडबैक, तो फॉलो अप कहाँ है इसमें? वो तो डायरेक्ट बोलेगा आई हैव अ फीडबैक, तो मेन इंटेंट है वो। वो तो पैरामीटर हो जाएगा, वो न्यू ऑर्डर के अंदर पैरामीटर हो जाएगा वो कि स्पाइसी है या फ्लेवर क्या है। जैसे उसने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर हो गया उसका, हमने डिस्पैच वगैरह कर दिया, अब हम उससे जो है वो एक फीडबैक ले लेंगे, उसने जो हमसे भी बात की है, जो कोई कन्वर्सेशन हुई है, वो उसके लिए कैसी रही है वो कन्वर्सेशन? वो तुम जो बात कर रहे हो ना वो प्रोएक्टिव में होता है, चैट बॉट प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि सामने से पूछेगा। हम जो चैट बॉट की टेक्नोलॉजी अभी ना डायलॉग फ्लो और ये जितने भी एलेक्सा गूगल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, ये सामने से बोलने वाले प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिवेट करेगा तो ये होंगे। ठीक है। तो अब बंदे ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के वो बैठ गया चुप करके टीवी देख रहा है, अब चैट बॉट सामने से कुछ नहीं बोलेगा जब तक ह्यूमन ना बोले। अब सामने से अब उसका ऑर्डर नहीं आया, थोड़ी देर में उसने बोला भाई स्टेटस बताओ, तो स्टेटस बता देगा वो। अच्छा अगर तो वो उसको ऑर्डर आ गया होगा और ऑर्डर आके खा पी के फिर वो मस्ती करने के बोल रहा है कि स्टेटस बताओ, तो वो बोलेगा यार डिलीवर्ड। ठीक है, क्योंकि वो डिलीवर्ड है, डेटाबेस के अंदर डिलीवर्ड लिखा है, वो डिलीवर्ड बता देगा, दैट्स इट। तो अब वो उससे कब हम ये बात पूछेंगे? ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ हो सकती है लेकिन, कि अगर उसने पूछा कि व्हाट इज़ द स्टेटस और लास्ट जो ऑर्डर था वो भी अगर डिलीवर्ड हुआ, तो फिर हम उससे ये पूछ सकते हैं कि ये सारे ऑर्डर आपके डिलीवर हो गए और आप ने मतलब फीडबैक आपका कोई है अगर तो बोल दो। क्या इसमें क्या जुमला बनेगा कि से यस टू गिव फीडबैक? नहीं, वुड यू लाइक टू गिव अस अ फीडबैक अबाउट द फूड? अच्छा तो बंदा यस बोले तो एक फॉलो अप उसके आगे हो, यानी कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि ये अब यस का मतलब क्या है कि वो कुछ हो रहा है पोस्ट में। तो ये दो चीज़ें हमने करनी है। नंबर एक क्या, ऑर्डर कंप्लीट होने पे उसको एक वो देना है फॉलो अप के एपेटाइज़र या सैलड का कुछ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऑर्डर किया उसने। ठीक है, वो भी हमारे डेटा बेस उसमें मेंटेन होता है कि क्या ऑर्डर किया उसके साथ क्या होता है। अभी तो पे लोड तो आ गया है ना, अभी तो ये तो करें, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना डायलॉग फ्लो की इंटरनल चीज़ें हैं। ठीक है, पहले इंटरनल चीज़ें पूरी करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे ना, इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, फिर उसको हम वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट, वेब एप्लीकेशन तो कर लिया शायद हमने कनेक्ट, है ना, वो तो API है ना ये वाली हमारी। अच्छा वो भी अभी हमने नहीं किया। नहीं नहीं, ये जो रिएक्ट की हमने ऐप बनाई थी लास्ट, नहीं किया। यार अभी तो हमने वो किया था सर्विस अकाउंट जो बनाया था हमने, सर्विस अकाउंट जो हमने बनाया था इसी क्लास में बनाया था ना, सर्विस अकाउंट भी नहीं बनाया हमने। नहीं सर, हमने अभी तक इसको जो टेस्ट किया वो डायलॉग फ्लो के साथ ही किया, डायलॉग फ्लो के साथ ही किया। अच्छा अच्छा, और कहीं नहीं किया। सही है। तो बस बहरहाल अभी इंटरनल चीज़ें पूरी होंगी ना जब हमारी, तो फिर हम बाहर निकलेंगे इससे। सबसे पहले इसको रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, रिएक्ट में डेटा आना शुरू हो, पिक्चर आ जाए, वो पांच तरह के जो रिस्पांस है ना सारे, वो सारे रिएक्ट पर तो शो होना शुरू हो जाए पहले। उसके बाद फिर एक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे हम इंटीग्रेट उसको। ठीक है, फिर वेबहुक में कुछ चीज़ें और एक दो है वो लगाएंगे, फिर SSML हम देखेंगे, क्योंकि रिएक्ट में इंटीग्रेशन तक SSML की ज़रूरत नहीं है हमें। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना फिर किसी वॉइस वाले प्लेटफॉर्म पर, जब हमें इसमें SSML की ज़रूरत है, फिर SSML हम कर रहे होंगे या मे बी अभी देखेंगे। SSML तो Alexa में और गूगल असिस्टेंट में चाहिए होता है,
ठीक है, लेकिन गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा हम नहीं कर रहे, तो अब तीसरा कौन सा वॉइस है हमारे पास अवेलेबल वो देखेंगे, मे बी हम इसको कॉल पे कर लें। खैर तो बहुत कुछ है आगे हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वो डिज़ाइन वाले जो सारे ये ना पूरा पैराग्राफ वो एक दफ़ा खुद से भी पढ़ लीजिएगा, और जितना अभी तक ये बनाया है हमने इतने को एक बार अपने हाथ से बना लीजिएगा अगर किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। और अभी तक जितना आपने बनाया है, अभी मुझे याद आ रहा है कुछ शायद मैंने टास्क भी दिया था आपको कि अभी तक जितना बनाया इससे वो तो बन जाएगा, कुछ ऐसे मैंने टास्क दिया है आपको शायद। अच्छा तो चलो मैं बता देता हूँ ना फिर टास्क, आज एक टास्क है आज, जितना बना लिया ये हमने इससे सीधे सीधे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर तो दे सकते हो ना, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर। आप सब लोगों को Q&A जो है, ठीक है, उसको FAQ चैटबॉट कहते हैं, आप सब लोगों को SMIT का 100 क्वेश्चन वाला FAQ चैटबॉट बना के लाना है, ठीक है, 100 इंटेंट होंगे सीधे सीधे और डायलॉग फ्लो से डायरेक्ट होगा सीधा सीधा, तो 100 तो होगा ना कम से कम, हाँ तो उससे बनवा लो, भले किसी से भी बनवा लो, लेकिन SMIT के रियल क्वेश्चंस होने चाहिए और हर बंदा ये क्वेश्चन अपना बनाए, भले ChatGPT से करवाओ या खुद करो, सोचो क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से शेयर नहीं करना कि क्वेश्चन क्या ऐड कर रहा है कौन, अरे तो भाई सीधे सीधे क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर। SMIT के बारे में एक बंदा आएगा नॉर्मल बंदा तो वो क्या क्या पूछ सकता है, या तो कोई दोस्त वोस्त पकड़ देना, सही है, इसने बुक में भी एक जगह पे ये जिक्र किया है कि भाई आपको नहीं समझ आ रहा ना कि यूज़र क्या बोलेगा, तो एक यूज़र बिठा दो फिर आप पकड़ के और देखो फिर वो क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो कोई दोस्त है, कोई आपके रिश्तेदार हैं, वो उनसे बोलो कि हाँ भाई मैं फला जगह पढ़ता हूँ SMIT में, तो वो आप पूछ रहे थे ना उस दिन, क्या पूछ रहे थे आप, वो हालांकि नहीं भी पूछ रहा हूँ ना, तो वो क्वेश्चन लोगों के पास रेडी होते हैं, लोग पूछते नहीं है लेकिन क्वेश्चन लोगों के पास होते हैं रेडी, जो तो आप बोलोगे ना कि यार पूछ रहा था, उसको लगेगा हाँ शायद मैं पूछ रहा था, फिर वो बोलना शुरू करेगा खुद ही, अब वो देखो क्या क्या बोलता है वो, तो वो 100 क्वेश्चन तो यूं देगा आपको, है ना, आप 15 मिनट 20 मिनट, हाँ लेकिन उसको आपको नोट डाउन करना है या रिकॉर्डिंग लगा लेना कुछ करना है ऐसा, ताकि वो फिर क्योंकि उसके सामने नोट डाउन करोगे ना तो फिर वो क्यूरियोसिटी हो के वो बात छोड़ के ना वो ये पूछने लगे कि लिख क्या रहे हो, तो मे भी रिकॉर्डिंग कर लेना अच्छी नीयत से चुपके से, रिकॉर्डिंग लगा के ना वो सारी रिकॉर्ड कर लेना, क्यों जितने भी डिजाइन वगैरह बनाए सारे मेरे दोस्त ने बनवाए, ये डिजाइन का आईडिया नहीं था इतना, हां वो थोड़ा डिजाइनिंग का काम करता है, उसी को पकड़ कर लाऊंगा मैं, थोड़ा डिजाइन बनाने हां बुला लेता हूं। चलो भाई ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।